नमस्कार, सिंटा इम्पा और इफ्टडा की तरफ से आप सब लोगों का स्वागत है एक ऐसी शाम में जहां हम अपनी इंडस्ट्री के एक महानायक, एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग के बारे में बातें करेंगे, आपके अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उस शख्सियत के बारे में जो हमारे बीच में ना होकर भी हमारे बीच में है और रहेगा। मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने सारे मोबाइल्स साइलेंट पर रख दीजिए और अगर घंटा दो घंटा हम मोबाइल्स का इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि तो मुझे लगता है कि ये शाम इतनी महत्वपूर्ण है और इतनी रेमरिंग शाम होगी हम सब के लिए कि वो फिर पता नहीं हमें मौका मिलेगा कि नहीं मौका मिलेगा। हम सारे लोग अपने अपने काम में, अपने अपने कारोबार में फिर बिजी हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा आपसे कि आप आकर आपके एक्सपीरियंसेस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस ओम जी के साथ कुछ ट्रिवियाज अगर आपके होंगे वो हम आपके साथ सब मिलकर यहां पर शेयर करेंगे। ये शाम कोई कंडोलेंस की शाम नहीं है, हम ओम पुरी जी के सक्सेस और उसकी ग्रेटनेस की बात करेंगे और अपने आप को खुश महसूस करेंगे। तो शुरू में मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनोज वाजपेयी जी, जो काफी उनके निकट फ्रेंड थे, कि वो स्टेज पे आए और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। मनोज जी, सबको बहुत सारा नमस्कार। ओम जी के साथ में निकटता मेरी बहुत बाद में हुई थी, लेकिन मैं जब अपने गांव से दिल्ली आया था ये सोचकर आया था कि यहाँ पर रंगमंच करूँगा और कोशिश करूँगा कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मेरा दाखिला हो जाए। तब मैं ग्रेजुएशन में था और उस दौरान छोटे मोटे नाटक करना जो शुरू किया मैंने, उसके बाद बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे रंगमंच के लोगों से मुझे ओमपुरी जी और श्री नसीरुद्दीन शाह जी के बारे में और उन्होंने के जो बिताए हुए पल थे दिल्ली में उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती रहीं। एक बार मेरे एक मित्र ने कहा कि शीला सिनेमा में शायद मॉर्निंग शो था, वहां पर एक फिल्म लगी है, नई फिल्म है आक्रोश, तो वो लोग देखने जा रहे थे और बहुत सारी बातें उस फिल्म के बारे में हो रही थी, तो मेरी उत्सुकता काफी जगी कि मैं भी उस फिल्म को देखने जाऊं। उसके पहले अपने छोटे शहर में जहां मैं पढ़ता था बिहार में, ज्यादातर जो पॉपुलर फिल्में होती थी वो लगती थी, और दिल्ली आने के बाद अखबारों में या किसी मैगजीन के जरिए ओम पुरी जी के बारे में जानने का मौका लगा और उसने जो है काफ़ी मुझे उत्सुक किया कि मैं आक्रोश देखने जाऊं मॉर्निंग शो। वो समय ऐसा था जब समानांतर फिल्में सिर्फ एक शो में बहुत दूर के किसी सिनेमा हॉल में लगा करती थी, उनके लिए कोई जगह नहीं थी थिएटर। जब मैं आक्रोश देखने गया, फिल्म खत्म हुई, उसके बाद दूसरे दिन वापस गया फिर से मॉर्निंग शो में,
तब से लेकर के आज तक ओमपुरी जी के हर काम को मैंने बहुत निकट से देखा, और शायद जो रास्ता मैंने चुना, जिस तरह की फिल्मों को करने की जिद ठानी, उसमें ओमपुरी जी की जब का जो काम था उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनकी शुरू की फिल्म आक्रोश से ये मेरी यात्रा शुरू हुई थी, और दिमाग में कहीं ना कहीं ये जिद पनपने लगा था कि काम करना है तो ऐसा करना है, किसी रास्ते जाना है तो शायद इसी रास्ते जाना है। तो सबसे पहले तो मैं ओम भाई को हमेशा ये बात फोन पे या जब भी मिलते थे तब मैं उनको बार बार बोलता था, और जिस तरह के व्यक्ति थे, अगर आपको आप में से किसी ने भी उनको निकट से जाना हो, वो हर कॉम्प्लीमेंट को हंस करके टाल दिया करते थे। उन्होंने कभी भी अपनी महानता का बोझा ढोया नहीं। एक फिल्म कर रहे थे हम लोग चक्रव्यूह, प्रकाश झा जी की फिल्म थी, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में एक रेस्ट हाउस था जिसमें कि हम 5-6 जो है मेन कलाकार ठहरे हुए थे और साथ में निर्देशक भी थे, और हर शाम को शूटिंग के बाद अपनी अपनी वर्जिश करने के बाद बाहर कुर्सी लगा के अपने अपने कमरे के हम लोग बैठा करते थे, और ओम भाई भी आ जाया करते थे वहां पे। हर कोई कहता है कि अच्छा एक्टर बनने के लिए अच्छा इंसान होना जरूरी है, लेकिन इस शहर में आने के बाद मेरी इस कहावत से मेरा विश्वास थोड़ा उठ रहा था, लेकिन जब जब मेरा विश्वास इस कहावत से उठा तब तब ओम भाई मिल गए। तब लगा कि नहीं, शायद सही है, इतना महान एक्टर होने के बावजूद कभी भी सामने वाले को, चाहे वो एक रिक्शा वाला हो, चाहे वो इस देश का सबसे बड़ा पूंजीपति हो, सबसे एक तरीके से मिलना मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। वो हमारे ओम भाई थे। हमारे चक्रव्यूह फिल्म की एक छोटे से छोटे रोल को करने वाला या एक चाय लेके आने वाला स्पॉट बॉय या फिर उसी सेट पे उसी लोकेशन पे निर्देशक या उसी सेट पे कोई नामी ग्रामी एक्टर, सबके जो ओम भाई के साथ संबंध थे वो बराबर के थे। ओम भाई के लोकेशन पे आते ही बड़ी खलबली मस्ती थी, और वो खलबली ऐसी नहीं होती थी कि कोई बहुत बड़ा स्टार आ गया, महान तो थे ही, सभी जानते थे उनके बारे में, लेकिन वो खलबली इसलिए मस्ती थी कि उनका ओम पुरी आ गया, उनके ओम भाई आ गए, उनके ओम जी आ गए। एक रात हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे तो उन्होंने मुझसे कहा, बबुआ मुझे अपनी फिल्में दिखाओ यार। तो मैं उनको फोन पे मुंबई आने के बाद बोला करता था कि ओम भाई मेरी ये फिल्म है, आप देख लीजिएगा। वो देखते थे और वापस फोन करते थे और अपनी जो भी उनकी प्रतिक्रिया होती थी देते थे। हाल फिलहाल में मैंने उनको कहा कि ओम भाई एक फिल्म है मेरी अलीगढ़, आप देखने आएंगे? उन्होंने कहा कि मैं तो हुई नहीं, लेकिन जब लगेगी तो बता देना। मैंने उनको मैसेज कर दिया कि ओम भाई मेरी फिल्म प्रदर्शित हो गई है और आप कहीं भी देख सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं टिकट लेके आ जाऊंगा जब आप मुंबई में होंगे तो। फिर मैं भूल गया। उसके बाद भोपाल से उनका एक दिन अचानक रात को फोन आया, अरे यार यहां तो लगी ही नहीं है। कहा ओम भाई ये बहुत छोटी फिल्म है, भोपाल में नहीं लगेगी। अच्छा अच्छा ये आक्रोश टाइप की है क्या? मैंने कहा ओम भाई आप इसके बाद कहाँ जाएंगे? मैं लखनऊ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, तो शायद वहां लगी होगी।
फिर उसके बाद मैं भूल गया। रात को उनको अचानक फोन आया तो मैंने उनका नाम देखा फोन पे, तो मुझे लगा कि शायद इन्होंने अलीगढ़ देख ली। मैंने कहा कि आपने देख ली? तो उन्होंने कहा अरे बबुआ यहां पर के जो एसपी हैं वही वो तुम्हारे गांव के हैं, तुम्हारी उनसे मैं बात कराता हूं, अलीगढ़ तुम्हारी यहां भी नहीं लगी है, मैं बाद में देख लूंगा। फिर उन्होंने एसपी साहब से बात कराई। फिर एक दिन अचानक इसी तरीके से हर 15-20 दिन के अंतराल में उनका फोन आता था और हर बार मुझे लगता था कि इन्होंने अलीगढ़ देख ली, लेकिन वो साथ में जो बैठा होता था उससे बात कराते थे और साथ में ये भी बोलते थे कि बबुआ मैंने अलीगढ़ देखी नहीं, यहां लगी ही नहीं। मैंने कहा ओम भाई बड़ी छोटी सी फिल्म है, ये 2 महीने कहीं नहीं चलने वाली है। इस तरह का नाता उनके साथ। लेकिन ये सारा प्रसंग दिखाता क्या है एक शख्सियत के बारे में? ये प्रसंग ये दिखाता है कि जिसके साथ भी वो जुड़ते थे उसके साथ पूरी तरीके से जुड़ते थे। अगर अलीगढ़ की बात मैंने उनसे की थी तो 4-5 महीने तक हर शहर में ढूंढते रहे अलीगढ़ को, ऐसे थे हमारे ओम भाई। अगर आप उनके साथ बात करने बैठ जाओ तो आपको नींद आएगी, उनको नींद कभी नहीं आती थी और हर बार बोलते थे यार कुछ देर और बैठो, कुछ देर और बैठो, बातों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता था। और मैं आपको सही कहूं तो ओम भाई के साथ मेरे बातों का सिलसिला कभी खत्म होगा नहीं। मैं हमेशा आज भी जब मैं आपके साथ खड़ा हूं मैं उनके फोटो की तरफ देख करके उनके हंसते में मुस्कुराते हुए चेहरे को देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझसे बात कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि ये तस्वीर, वो उनकी यादें हमेशा मेरे मुझसे बात करती रहेंगी। ओम भाई जहां भी हैं खुश रहें और उनकी आत्माओं को बहुत खुशी होगी अगर हम लोग खुश रहेंगे तो। धन्यवाद। मैं इंफा के प्रेसिडेंट टीपी अग्रवाल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप आइए और अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए। ओपुरी साहब ने आपकी फिल्म में की है तो। नमस्कार। ओम जी के बारे में क्या कहें, मनोज जी ने इतना कुछ कहा है, मुझे तो सिर्फ इतना याद है कि मेरा बेटा एक पिक्चर बना रहा था ना घर के ना घाट के, राहुल अग्रवाल, उसके अंदर उसने डेब्यू किया था एज ए डायरेक्टर और एज ए हीरो आल्सो। उसके दोनों कलाकार रवि किशन जी यहाँ बैठे और साथ में ओम जी थे उसके अंदर, ओम जी ने उनके फादर का रोल किया था। और मेरे ख्याल है कि जैसे वो सेट पे आए उन्होंने राहुल का मनोबल इतना बढ़ाया कि शायद वो पिक्चर ना कर पाता है, वो उस पिक्चर में ना होते। फिर मैं पिक्चर पुलिस गिरी बना रहा था, पुलिस गिरी के लिए ओम जी को सिर्फ एक ही दिन फ़ोन किया मैं कि ओम जी ये रोल है, पुलिस कमिश्नर का रोल है, आप करेंगे? उनको मैंने वो रोल सिर्फ 2 मिनट के लिए सुनाया, कहाँ मैं कर रहा हूँ। वो एक ऐसे शख्स थे जो बिना एडवांस लिए हुए, बिना पेमेंट लिए हुए ही किए मैं शूट फॉर माय मूवी। तो उनके बारे में तो क्या बोले, इतनी बड़ी बड़ी पिक्चर किए उन्होंने, हॉलीवुड में की, इंडिया में की, कितने नेशनल अवार्ड्स लिए, पर उनके अंदर बिल्कुल भी गुमान नहीं था किस चीज़ का भी उनके दिमाग में ये नहीं था कि मैं कितना बड़ा एक्टर हूँ। इसके अलावा मैं क्या बोल सकता, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टीपी साहब। अच्छा माहौल बहुत सोम्बर हो गया है, थोड़ा खुल के हंसी है, थोड़ा खुश रहिए, मतलब ऐसा टैक्स भी नहीं लगेगा कोई हंसने का या ताली बजाने का या कुछ। लेट अस एंजॉय दिस इवनिंग इन अ नाइस वे। हम इसके सक्सेस की बात कर रहे हैं और इनके मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो प्लीज उस मोड से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक आदमी है हमारे बीच में, वो है जॉनी लिवर साहब। मैं जॉनी लिवर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप
और कहीं कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा कि यार वो आदमी हंस रहा था वहां पर, यार ओम जी के उसमें कोई शिकायत नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, शिकायत करने वाले लोग यहां पर है नहीं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। ओम जी के बारे में मनोज जी ने इतनी अच्छी बातें की, इतना अच्छा बोला, भाई क्या बात है। मेरी खुशनसीबी है कि मैंने उनके साथ काम किया। अभी रवि किशन बता रहे थे उनके साथ एक महीना, पिछले महीने ही लोग बनारस में थे, ऐसे हम लोग 15-20 दिन या एक महीना हम लोग दुबई में थे, एक फिल्म कर रहे थे हम लोग दीवाने हुए पागल, तो उसमें ओम जी सब अक्षय कुमार थे। ये इस फिल्म को मेरे ख्याल 12 साल हो गए। ओम जी को पता नहीं क्या कुछ उनका एक्सीडेंट हो गया था, उनका पूरा बॉडी जो है ना, पूरी बॉडी में प्रॉब्लम थी कुछ, बिल्कुल उनको मालिश की जरूरत थी। हमारे मिश्रा जी यहाँ बैठे थे, मिश्रा जी मालिश वगैरह करते थे, उनकी बहुत सेवा करते थे, उनको एक्सरसाइज करना पड़ता था, स्विमिंग भी करते थे वो, डॉक्टर ने बताया स्विमिंग करना चाहिए उनके लिए, तो वो ये सब करते थे, और वो फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से वो चिड़चिड़े भी हो गए थे, शूटिंग पे आएंगे टाइम पे अगर शॉट नहीं हो तो वो चिड़ जाते थे, अरे यार टाइम पे बुला लिया करो यार, अभी शॉट रेडी नहीं बुला लिया तुमने यार, अगर शॉट रेडी हो तो बुला लिया करो यार यार, चलो ठीक है चलो मैं बैठता हूँ, कहाँ चल रहा हूँ, ऐसे हो गए थे। मैं कुछ लोग सोचते थे क्यों इतना छोड़ रहे हैं, लेकिन मैं समझता था उनकी प्रॉब्लम क्या है, मैं उनके लिए प्रेयर भी करता था, यार जानी इधर आ मेरे लिए प्रेयर कर यार, तो मैं उनके लिए प्रेयर भी करता था, यार प्रेयर करता अच्छा लगता मुझे यार। तो ये चलता, शाम को लोग वॉक के लिए निकलते थे, कोई फोटो ले आए यार करने मुझे नहीं चलो कहाँ से आ जाते, फिर बोला ले जरा ले, ऐसे थे उनकी, फिर वो बोलते थे, फिर रियलाइज करते थे यार मैंने शायद इसको बोल दिया बेचारा बुरा मान गया। ये चीजें देखने को मिला मुझे, और इत्तेफाक से मेरे पड़ोसी थे बाजू में, उन्होंने फैक लिया हुआ था, मुझे बुला लेते थे। अभी डेथ के 5 दिन पहले उन्होंने मुझे फोन किया, यार जानी भाई मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, नंदिता दास बना रही है फिल्म, उसमें दादा मुनि का कुछ है, अशोक कुमार जी का, तुम यार कुछ डायलॉग करके ना, कुछ कॉपी करके कोई उनका डायलॉग मेरे को व्हाट्सअप करना। मैंने कहा भाई मैं व्हाट्सअप पे नहीं हूँ, फिर भी मैं बेटे के ऐसे कह कुछ करके भेजता हूँ, मैं भेज नहीं पाया तो मुझे तकलीफ है, वो सोच के कोई कोई सोचता यार मैं भेज दिया था उनको, घर जाऊँ तो बहुत बहुत प्यार करते थे, और पीते बहुत थे वो, जब अगर छुट्टी हो तो भी बहुत पीते थे। एक बार मैं घर गया, मिश्रा जी भी थे, तो मेरे लिए उन्होंने चाय बनाई, कप सासे लेके आए, हाँ जानी साहब क्या लोगे क्या बताओ, और मेरी हालत अब गिरेंगे होगा, वो गिरते ही नहीं, बाहर जा रहे किचन में ये टाउन, और मैं देखो मैंने इनकी फिल्म मंडी देखी, आक्रोश, ये सारी फिल्में, मैंने वही वही ऊपर ही उनके साथ बैठा हूँ, मैं उनके घर में बैठा हूँ, मैं मुझे सर्व कर रहे हैं, ये ग्रेटनेस, मैं मेरे लिए मतलब क्या बताऊँ मैं, हम उनके इतने बड़े फैन। लेकिन मैंने एक चीज देखी उनके अंदर, उनका पर्सनल लाइफ मुझे मालूम नहीं ज्यादा, क्योंकि इतनी जल्दी हर एक जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कहीं से
दुखी थे। क्या दुख था उनको खुद जानते हो, मगर फिर भी वो अपने आप को खुश रखते थे, ये मैंने ऑब्जर्व किया। मेरे को बोलते यार कोई शेर सुनाओ, मुझे दो चार शेर याद है तो मैं उनको कभी सुना देता। एक शेर उनको बहुत पसंद आया, तो बोले यार सुना, वो यार वो टेप करके दो मुझे फलाना, मुझे फिर से सुनाओ। तो एक शेर मैंने उनको सुनाया, किसी शायर का शेर है, तो मैंने याद कर लिया, तो उनको मैंने सुनाया। जहां से तेज हवाओं का आना जाना है, जहां से तेज हवाओं का आना जाना है, नतीजा कुछ हो वहीं पर दिल दिया जलाना है। जहां पर तेज हवाओं का आना जाना है, नतीजा कुछ हो वहीं पर दिया जलाना है। हवेली वालों हिकारत से मेरी सिमत न देख, मुझे यहां नहीं जन्नत में घर बनाना है। इस शेर के हिसाब से वो ये बातें उनके अंदर थी, ये बात ये खूबी उनमें थी, डेफिनेटली वो जो भी थे डेफिनेटली उन्होंने जन्नत में घर बनाया है। जिस हिसाब से वो थे, जैसे वो लोगों से उनका बर्ताव था, बिहेवियर था उनका, जिस तरह मिश्रा जी उनकी सेवा करते थे, लेकिन मिश्रा जी से अपने भाई की तरह मिश्रा जी को रखते थे। ये मिश्रा जी का बेटा है जॉनी, जॉनी जी, जॉनी भाई मिश्रा जी का बेटा है, ये बहुत या बड़ा अच्छा काम करता है, ये पढ़ा लिखा लड़का है, ये वो ना, इस तरह की बात, छोटा बड़ा कुछ नहीं, हर एक से मोहब्बत रखना। और किसके लिए क्या क्या करते थे वो चुपचाप, ओम जी बहुत ही कमाल के थे। बस मैं दुआ करता हूँ खुदा से, ऊपर वाले से, कि उनकी आत्मा को शांति मिले और बेहतरीन जगह मिले और वाकई जन्नत में। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जॉनी भाई, आपने जो अपनी यादें शेयर की, नमस्कार सबको। और आज की शाम एक बड़ी अनकन्वेंशनल सी शाम है, क्योंकि कुछ शख्सियत ही ऐसी होती हैं जो अनकन्वेंशनल बना देती हैं ज़िंदगी को। मैं पहले तो सिंटा की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं, थैंक यू सो मच आने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत सारी यादें हैं ओम जी के साथ। इस शाम का विचार आया, हम लोग साथ में थे, अशोक पंडित जी, मैं, अश्विनी चौधरी, संजीव सूरी, उस दिन पूरा दिन हम लोग कूपर हॉस्पिटल में थे जी। थैंक यू। और भी किन्हीं के अगर अभी साइलेंट ना हो, साइलेंट कर लें प्लीज फोन्स। तो बड़ा अजीब माहौल था, फॉर्मेलिटीज जो होनी है। बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि जिस सुबह ये समाचार मिला उससे पिछली ही शाम ओम जी से मेरी बात हुई थी। दिन में 3-4 मिस्ड कॉल थे एक पीआर के, मुझे समझ नहीं आया, फिर मैंने फाइनली कॉल बैक किया, मैसेज आया कि सर ओम जी बात करना चाहते हैं, तो मैंने वापस फ़ोन किया। तो ओम जी मूड में थे, ओम जी ने शुरुआत ही जो है वो ऐसी की कि हाँ भाई राजपूत क्या हाल है। ये तो एक वैसी, एक सुशांत सिंह राजपूत है, एक मैं सुशांत सिंह हूँ, तो वैसी ज़िंदगी में बहुत कन्फ्यूजन है। ओम जी भी ऐसे बोले तो थोड़ा वैसी सरक गई। मैंने कहा सर अभी तक राजपूत नहीं हुआ, जाट ही हूँ मैं। हंस पड़े। मैंने प्रेसिडेंट साहब प्रणाम। हाँ भाई जाट रे जाट, तेरे सर पे खाट। जी सर ठीक है सर, है कोई जवाब तेरे पास है? मैंने कहा सर 16 दुनिया 8, और क्या जवाब दूंगा। नहीं तू जोक सुन जी, बनिया और जाट घूम रहे थे, बनिया ने कहा जाट रे जाट तेरे सर पे खाट, जाट ने कहा बनिया रे बनिया तेरे सर पे कोलू। बनिया बोला इसमें क्या तुक हुई? बोला तुक नहीं है साले, वजन तले तो मरेगा तू। सो दैट वाज ओम जी। एंड फिर सीधे छूटते बोले हाँ बेटा बता भाई बच्चे और क्या हो रहा है सिंटा में। सर सिंटा में कल तो मीटिंग है हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की, आप आ जाओ शहर में हो तो। यार मैं सारी रात शूटिंग किया, दिन भर काम किया, अभी मैं बैठा हुआ हूँ और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग बैठे हैं मेरे साथ, कोई गुजरात से है, कोई महाराष्ट्र से। मैंने सर वेरी गुड, आप नेशनल इंटीग्रिटी कर रहे हैं।
एक ये भी, ये क्या नाम है खालिद, ये मुसलमान है, इसे सुबह तक मैं हिंदू बना दूंगा, ये घंटी बजाएगा मंदिर में। फिर बोले बेटा कल मैं जा रहा हूँ अमेरिकन कॉन्सुलेट, मेरा कुछ वर्क परमिट है और मैं तो आ नहीं पाऊंगा। कोई नहीं सर, मैं मीटिंग के बाद शाम को मैं घर आता हूँ, आपको अपडेट देता हूँ क्या क्या हो रहा है सिंटा में। देन ऑफकोर्स सुबह उठे तो शौक था, बट दिन भर जब भी साथ थे पंडित जी, अश्विनी चौधरी और मैं, अपार्ट फ्रॉम द शौक, जैसे ही नाम लेते थे ओम जी का, तो कोई उनका एक मजाकिया किस्सा, कोई उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका बोलने का अंदाज, वो याद ना आ जाए और हम मुस्कुराकर बात ना करें पूरे दिन, ऐसा हुआ नहीं। ओम जी मीन्स लाफ्टर, हैप्पीनेस, खुशी। पूरा दिन उस शौक के बावजूद हम मुस्कुराते रहे ओम जी को याद कर करके, उनका नाम ले लेके। तब यह ख्याल आया कि यार एक शाम ऐसी ही रखी जाए जहां जो ओम जी थे, जो उन्होंने हमारी जिंदगी में बांटा, जाने अनजाने हम में से बहुतों को डायरेक्टली जानते थे, किसी को नहीं जानते थे, बतौर एक्टर, बतौर एक शख्स के तौर पर जो जादू बिखेरा हमारी जिंदगी में, जो खुशी बिखेरी, वो खुशी आपस में बांटते हैं, क्योंकि तो शायद ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी इस तरह की शख्सियत को। ऐसे लोग फिजिकली जाते हैं लेकिन जाते तो हैं, इज गोइंग टू रिमेन देयर फॉर एवर सबके दिलों में और सबके करीबी थे। शायद एक कमाल की बात जो मुझे लगी, संजीव पुरी ने मुझसे पूछा, यार आप ओम जी को कब से जानते हो? यार पहली बार उनको मिला था मैं कुछ 20 साल पहले, अलकाजी साहब को फेलिसिटेशन कर रहे थे, वहां पर ओम जी बोलने आए थे, तब पहली बार मिला था, फिर कुछ काम तो। अच्छा 20 साल से जानते हो? तो मैंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि मुझे भी अच्छा लग रहा था सुनने में कि हाँ मैं 20 साल से ओम जी को जानता हूँ या ओम जी मुझे 20 साल से जानते हैं। मैं घर गया, वाइफ से बात हो रही थी, मैंने कहा यार ये सवाल मुझे पूछा उसने, और फिर मैंने सोचा ओम जी मिले थे तब, जानते नहीं थे ओम जी, लक्ष्य में काम किया पहली बार, फिर मैंने जिक्र किया कि सर हम गुरु भाई भी हैं, अलकाजी साहब आपके गुरु हैं, मेरे भी गुरु हैं, वहां से एक रिश्ता बना। जब जब मिले शूटिंग्स पर मिले, कुछ 5-6 फिल्में साथ में की होंगी, राजस्थान में एक लंबा समय बिताया एक फिल्म के लिए, परिवार वाले भी मिले, बेटी मेरी मिली उनसे, तो घर उनके एक बार गया बस ओकलैंड पार्क वाले में, वो भी जब सिंटा में वो प्रेसिडेंट बन गए तब साथ में थे, थोड़ा और ज्यादा वक्त बिताया। तो ऐसे देखूं तो मुलाकातों की अगर तादाद देखूंगा तो शायद मैं करीबी नहीं था या दावा भी नहीं कर सकता। उसके बावजूद मैंने वाइफ से पूछा, ऐसा क्यों लग रहा है यार कि कोई फैमिली मेंबर चला गया, वो यकीन क्यों नहीं हो रहा? एक बात जो आई थिंक मनोज ने भी बोली थोड़ी देर पहले, यार वो जिससे मिलते थे पूरा मिलते थे, और ऐसे बहुत कम लोग हैं इंक्लूडिंग माइसेल्फ। हम लोग 4 लोगों के साथ बैठे होते हैं तो कुछ लोगों से फोन पर मिल रहे होते हैं उस दौरान, कुछ लोगों से आधे अधूरे मिल रहे होते हैं। ओम जी या तो मिलते नहीं थे जिससे नहीं मिलना है, लेकिन जिससे मिलना है वो 100% ओम। तो आपको लगता था कि यार जब पूरा का पूरा मेरे सामने निछावर है एक शख्स, मैं वाकई बहुत करीबी होऊंगा। ये एहसास उन्होंने हम सबको दिलाया, और आपस में रश्क भी होता है मुझसे जब कोई ज्यादा बोलता है कि मैं ज्यादा करीबी था, जलन भी होती है, बिकॉज हम सब थोड़े पॉजेसिव हैं ओम जी के बारे में। और एक मासूमियत जो अंत तक नहीं छोड़ी उन्होंने, बचपन अपना जो साथ में समेटे रखा, वो मासूमियत अदाकारी में भी दिखती है, उनकी शख्सियत में भी दिखती है। और खासकर ये फोटोग्राफ जब मुझे अश्विनी चौधरी ने दिखाया, बहुत खूबसूरत फोटोग्राफ है, आई थिंक कैप्चर करता है उनके एसेंस को। और इस फोटोग्राफ से मुझे एक किस्सा याद आता है, हम लोग बाबर एक फिल्म की थी हमने, तो प्रमोशन के लिए गए थे लखनऊ, लखनऊ से फिर कानपुर जाना था, और उस वक्त लखनऊ कानपुर की सड़क बहुत खराब थी, 2.5-3 घंटे का सफर था। ओम जी ने तो कल्टी मार, बोले यार मेरी तो बैक में प्रॉब्लम है यार, मैं तो यार कौन खाने झटके गाड़ी यार, तू जा, मैं परेशान, मैंने कहा अकेले जाऊंगा और अकेले वापस आऊंगा। मैं मनाता रहा, मैं ओम जी सर चलो ना यार, हम इवेंट से वापस आ रहे थे होटल में, गाड़ी में मैं पूरी कोशिश कर ली, हर हथियार मैंने आजमा लिया, हर पैंतरा, कि ओम जी किसी तरह मान जाए, कंपनी अच्छी हो जाएगी, वापसी का सफर अच्छा हो जाएगा। मैं ओम जी वापसी में यार बियर पीते पीते वापस आ जाएंगे यार, प्लीज मान जाओ। होटल आया, मुझे देखा, ये एक्सप्रेशन था, सीधे बोले चल हट चुड़ैल, गाड़ी से उतरे चले गए। वो चल हट चुड़ैल वो इतना प्यारा था, इतना खूबसूरत था, वो जिंदगी भर साथ में रहेगा। और अब
अनकन्वेंशनल सी शाम है, बोलने वाले बहुत हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। जो जो लोग, जो जो हमारे मित्र जिनको जल्दी जाना है, मैं नीचे रहूंगा, वो चुपचाप बता दें, ताकि मैं यहाँ खड़े व्यक्ति को बता दूंगा कि भाई अगले स्पीकर इनको आप बुला लें। तो इसके साथ मैं यहाँ से हटता हूँ। रवि जी, आपको मैं आमंत्रित करता हूँ, आप आइए। नमस्कार सभी का। मैंने एक पिता तुल्य गुरु खोया, या एक दोस्त खोया, या एक पता नहीं, बहुत चार पांच फिल्में हमने की साथ ओम जी के साथ, और बड़ा भाग्यशाली रहा कि पिछले एक महीने हम लोगों के बड़े साथ भी थे। बनारस में थे, एक फिल्म कर रहे थे बनारस 2006 बॉम्ब ब्लास्ट पे फिल्म थी, तो बड़े मस्ती में थे वो। उनके दुख गम सबको पता है, मुझे भी पता थे, क्योंकि हम लोग मुझे बड़ा देसी मानते हैं कि तू तुझसे बड़ी गांव की महक आती, मुझे बोले तू बड़ा देसी मुंडा है, और मनोज भाई को जैसे बबुआ बोलते हैं मुझे भी बबुआ बोलते। और ये भी हुआ कि उस दिन जो डिबेट में बड़ा हंगामा हुआ इस देश में, ये देश भी हमारा अद्भुत है, तो उस दिन मैं भी उस डिबेट में, मैं दिल्ली में बैठा था, ये लखनऊ में थे, और उनको कुछ प्रवोक करके कुछ पूछ लिया गया होगा, शूटिंग से आए थे, जबरदस्ती उनको माइक निप्पल लगा दिया होगा कि बोलिए बोलिए, तो बैठ के कुछ बोलने लगे होंगे। अवघड़ा आदमी थे, अवघड़ों को छेड़ना नहीं चाहिए लेकिन छेड़ देते थे, क्योंकि वो अवघड़ यहाँ से, और कलाकार मुझे लगता है यहाँ से नहीं सोचते, वो यहाँ से सोचते, इसलिए वो कलाकार होते। और वो ओम जी थे, उन्होंने बोला, मैं भी था डिबेट में, मैं उनको देख रहा था टीवी पे देख रहा था। वो बात गई, उसके दो दिन बाद हमको बनारस मिला, और हंगामा तब तक देश में त्राहिमाम मचा था, सब लोग गरिया रहे थे, ये हैं वो हैं फलाना है ठिकाना है, जिसको जो मन में आ रहा था बोले जा रहा। और हम लोग बनारस मिले, बनारस क्या मिले, हम लोग तो मुंबई एयरपोर्ट से ही साथ चले, कॉफ़ी वॉफी पिए, तो मुझे लगा कि भाई लोग बड़ा गाली देंगे, लेकिन मैं देख रहा था कि फ़ोटो खिंचवाने वाले की तादाद बहुत बढ़ गई थी, और सेल्फी बहुत खिंचाए जा रहे थे लोग, बनारस था। फिर हमको लगा बनारस में हड़कंप होगा, क्योंकि इतना आग लगी हुई थी देश में कि देश दो ही आ गए, और ये फलाना फलाना बहुत सब, तो वहाँ देखे तो और ज़्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ गई थी। और फिर रात हम लोग साथ बैठे, अक्सर उनको ईस्ट टू लव ड्रिंक, वो शराब बहुत पसंद करते थे, उनको मज़ा आता था, आनंद देते थे, क्योंकि उसमें और मस्ती में आते थे, उनके अंदर का बालक है ना मिश्रा जी, मिश्रा जी हम लोगों ने बहुत अच्छा समय बिताया, मिश्रा जी और कई सालों से ओम जी के साथ हम लोग ने अच्छा समय बिताया। मिश्रा जी आपको बहुत प्यार करते थे पत्नी की तरह। So, रात में बैठे अचानक तो थोड़ा एक क्षण के लिए उदास हो गए, मतलब अरे क्या हुआ बाबा कहाँ निकल ली, तो बोले नहीं यार बबुआ एक गलती हो गई, वो टीवी पे हम बोले, मैं बोला छोड़िए ना हटाओ, बोल दिए खत्म, आगे बढ़ते हैं, छोड़िए, ये देश को दो दिन में सब भूल जाता, ये देश की याददाश्त बहुत कमजोर है, दो दिन लगता है, तीसरे दिन किसी को कुछ याद नहीं है, तो आप इतिहास उठा के देख लीजिए इस देश का, मतलब छोड़िए ना, बोल दिया हो गया निकल गया छोड़ो हटो जिसको, तो बोले नहीं यार मैं उदास हूँ, तो मतलब तब क्या करना है, हम दोनों अकेले बैठे थे, मिश्रा जी बीच बीच में ड्रिंक सर्व कर रहे थे, बोले मुझे उस लड़ाऊ सैनिक के घर जाना जिसके बारे में मैंने बोला था, बबुआ उसके घर वाले हम पर कहीं अटैक वटैक तो नहीं करें, तो मैं बोला हैं, तो वो इटावा था, तो हम इटावा के SP वगैरह से बात किए, वहाँ पुलिस फोर्स से बात किए UP में, बोला ठीक है आप चलिए, आपका बाल बांका नहीं होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है, और उनकी पूरी पूरी सुरक्षा वगैरह करके वो वहाँ गए, 10 लाख रुपया उन्होंने उसको दिया, हमको नहीं बताए थे, वहाँ जाके फिर उन्होंने फ़ोन किया कि मेरे बबुआ 10 लाख रुपया दे दिया, उस सैनिक को वहीं हवन करवाए, वहाँ जम के रोए, बोले बहुत रोए अभी, बोला ठीक है, वो रोए हुए हुए, उसके बाद आए, फिर एक दिन रात हम बैठे, बोले यार
मैं नसीर सर कहता हूँ, नसीर भाई कहता हूँ, भी हमारे बड़े अजीज, बोले नसीर की बहुत याद आ रही है। बोला ऐसी एक रात वापस, क्योंकि बनारस काफी दिन का लंबा शेड्यूल था हमारा पिछले महीने ना मिश्रा जी, हाँ, तो बोले नसीर की बहुत याद आ रही। तो बोला आप ये तो मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, रूम पार्टनर रहे हैं, रूम के किस्से कुछ सुनाए, कुछ बातें मैं नहीं बताना चाहता हूँ। तो उन्हें बोले बबू एक घड़ी पहना हूं मैं, घड़ी दिखाया, ये नसीर ने दी है, मैंने जिंदगी में इसके बाद कभी घड़ी नहीं खरीदी, मैं नसीर वाली घड़ी पहनता हूं और मैं उसको बहुत मिस करता हूं, वो मुझे बहुत याद आता। अब मैं उसके इतिहास, उसके डिटेल में कुछ बातें थी जो मैं अपने तक रखना चाहता हूँ। वो दोनों की मित्रता की बहुत बहुत सुंदर मित्रता, नसीर सर की और ओम जी की बहुत सुंदर मित्रता, वो मैंने अपने कान से सुना, वेरी लकी, वो मैं अपने दिल में रखना चाहता हूँ। बहुत सुंदर मित्रता और बहुत सुंदर बातचीत, कुछ मैसेजेस की बातचीत दोनों की, बहुत सुंदर। तो ऐसे थे, फिर मैंने 15 दिन 20 दिन पहले, डेथ के 15 दिन पहले अपने घर पर डिनर पर बुलाया और मैंने कोशिश की नसीर भाई को भी बुलाऊँ और ओम जी को भी और दोनों मित्र को मिला। तो ये आगे 9 बजे पार्टी शुरू होनी थी मेरे घर, ये 9 ही बजे आ गए और मैं ऐसे उनके चरण छुआ, उनका स्वागत, फिर उनके स्वागत में टिशु भाई थे हम लोग ने, जश्न शुरू हुआ मेरे घर, उनको मेरे घर की छत बड़ी अच्छी लगी, वो छत पे बैठे रहे और सिलसिला चलता रहा। तो मुझे बोले कि मैंने बोला मैंने मैसेज नसीर सर तक पहुंचाया, तो शायद फिर वो बातचीत कुछ रही या नहीं रही पता नहीं, वो इंतज़ार करते रहे। सुबह 4 बजे पार्टी चलती रही और हम टिशु भाई हम लोग 3 लोग खाली बैठे रहे छत पर, और सुबह के 4 बजे और पता नहीं उनकी आंखें कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन उसके बाद नीचे उतरे, गाड़ी के ऊपर चढ़ गए तो हमको लगा नेताजी खड़े हैं, हम लोग नेताजी की जय हो, नेताजी चुनाव जीते हुए, हम और टिशु भाई उनकी मजाक और हम लोगों की खिंचाई किए, टिशु भाई को बहुत चुम्मी मारे, मुझे बोले चल बबुआ जाता हूँ मैं और फिर मिलेंगे। और वही 15 दिन बाद मैं जहाज चढ़ रहा था गुजरात जाने के लिए, जहाज ही में हम ट्विटर पढ़े कि इज नो मोर, तो मैं ना उतर पाऊँ, दरवाज़ा बंद हो गया, मैं उनके लास्ट ट्राई उसमें विचुअल्स में भी नहीं रहा, और लेकिन स्माइलिंग चेहरा रहा, मस्त रहे, बेटे को बहुत प्यार करते हैं, जिंदगी को बहुत प्यार करते हैं, और बोले थे मैं बोझा नहीं बनूंगा कभी, और ये बोले थे कि मैं बोझा नहीं बनूंगा, ऐसा तड़ से चला जाऊंगा और शौक दे दूंगा सबको, ये था उनका, ये बड़ा आनंद था, मतलब अद्भुत थे, जितने अद्भुत कलाकार उतने अद्भुत इंसान, और नहीं तो कोई सह किसी को हम लोग हजारों बातें, वो सैनिक के परिवार को जाके नहीं जानते थे, वहां जाके पैसा इतना देना, वो ऐसे ऐसे बांट रहे थे, एंड में एक पीआरओ को हम मिलवाए थे लखनऊ में, उसको 50,000 की गड्डी दे दी, वो ऐसे लग रहा था सबको मैं बांट के चला जाऊं, वो बांट रहे थे, बांटने में लगे हुए थे, आखिर में सबको सब कुछ दे देना चाहते थे, और उनको पता, बोले मैं एक छोटे से मकान में ओकलैंड पार्क में रहता हूँ, मेरी ऑफिस थी और बस रवि यही जिंदगी, मतलब वो, लेकिन बहुत अद्भुत थे, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ पाया उनसे, और ये पाया कि सब कुछ यहीं रह जाता है, और आज देखिए ना पूरा ये हाउस पैक शो, लास्ट शो भी, मतलब इनके जितने शोज होते रहेंगे ओम जी के, सब ऐसे हाउसफुल रहेंगे जैसे आज। परमिशन सुशांत, आई रिक्वेस्ट सीमा कपूर जी टू कम एंड शेयर हर बेस्ट मोमेंट्स, आई थिंक नोबडी बेटर देन सीमा जी कैन शेयर। मुश्किल है, कठिन है, कठिन इसलिए नहीं कि शब्दों का अभाव है, कठिन इसलिए कि साइंस में शायद 3 या 4 डायमेंशन होते हैं,
और योग वशिष्ठ में 16 डायमेंशन होते हैं, पुरी साहब के हजारों डायमेंशन थे। मैं आज सबको सुन रही हूँ तो मुझे ईर्ष्या सी हो रही है कि वो सबके थे, किसी एक के नहीं थे। और कहने को ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास, क्योंकि शायद इतना ज़्यादा जब होता है तो थोड़े से में कहना बहुत मुश्किल होता है। उनको एक कविता बहुत पसंद थी जो मैं अक्सर उनको सुनाया करती थी, दुष्यंत कुमार की है। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर और कुछ हो ना हो, आकाश सी छाती तो है। और एक शेर उनको मैं नजर करती हूँ, जरूर सुन रहे होंगे और यही है, हम लोगों के साथ है वो, तो मैं उनको सुनाती रहती हूँ। जो ना मिल सके वो बेवफा, ये बड़े अजीब सी बात है। जो ना मिल सके वो बेवफा, ये बड़े अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़कर, वो ही आज तक मेरे साथ है। अमोल गुप्ते, एक बात जो हमारी सेंचुरी को एक मुकाम तक पहुंचा रही है वो बात है सिनेमा का अन्वेषण। और इस छोटे से बड़ी डिस्कवरी या इन्वेंशन से ओम पुरी इज गोइंग टू बी अलाइव फॉर एवर। तो चाहे, खैर पर्सनल बातें नहीं कर रहा हूं, बट एज अ फॉलोअर, एज अ लवर, चाहे वो सदगति हो या आक्रोश अर्ध सत्य, और फिर गियर बदल के जाने भी दो यारों, चाची 420, मंडी का वो फोटोग्राफर, तो ये इतने सारे जो रंग उन्होंने भरे हैं, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी देयर फॉर लेटर जनरेशंस टू लर्न फ्रॉम। और वो ऐसे गुड पीरियड जो कहते हैं उसमें उनका भाग जो था पैरेलल सिनेमा में, जहाँ लोगों ने असली भारत को दिखाया। अभी मल्टीप्लेक्स भारत दिख रहा है, टिकट के हिसाब से पिक्चर बनती है, लेकिन पुरी साहब के दौर में उनकी दो पिक्चरों में तो मैं साथ में था, होली में था 1984 और इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर मैं मिर्च मसाला में निर्देशन साहेब था केतन मेहता का। तो एक बड़ी बात जो मुझे छाती पीट के कहनी है कि पुरी साहब ने मेरा बंगाल लैंसर्स का मिलिट्री शर्ट पहना था मिर्च मसाला, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्योंकि मैं बौना हूँ, वो बहुत बड़े दिग्गज रहे हैं। और दूसरी बात उनका ईशान की तरफ का प्यार, क्योंकि मैं भी को पेरेंट था बेसिल मॉन्टेसरी स्कूल में, तो बहुत नज़दीक से उनको एक सामान्य पापा की तरह आकर हर चीज़ में अपना फ़र्ज निभाकर स्कूल को आगे जो बढ़ावा दिया उन्होंने वो दर्शनीय है। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि छोटी उम्र छोटी बात होनी चाहिए। महाराज की जय हो। दोस्तों नमस्कार। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग यहां पर आज जमा होंगे, क्योंकि अक्सर
लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और जब इस तरह की कुछ बात होती है तो लोग नहीं आते हैं, लेकिन ये देखकर ये लग रहा है कि ओम, मैं ओम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ओम मेरा क्लासमेट था और मैं उसको ओम जी नहीं बोल सकता क्योंकि दिल तो मेरा कहता है कि ओम जी ही बोलूँ, लेकिन क्योंकि हम साथ में FTIA में 1974 से साथ में थे, मुझे याद है कि FTIA में जब हम दाखिल हुए तो हमारी क्लास में 11 एक्टर थे मेल्स, 7-8 लड़कियां थी। तो उस समय आपको सबको पता ही है कि 74, 75, 76 में उस जमाने में 70s-80s में कन्वेंशनल हीरो का ज़माना था, मतलब अगर कोई एक्टर बनना चाहता है तो कम से कम 5 फुट 10-11 इंच हो, अच्छी बॉडी हो, शक्ल भी अच्छी खासी हो, तब एक्टर इंडस्ट्री एक्सेप्ट करती है, वरना नहीं करती। इस तरह के एक धारणा थी, सब इसी तरह के एक्टर आया करते थे उस जमाने में। तो जब सिलेक्शन हुआ तो 10 एक्टर तो वहाँ पहुँच गए टाइम पर FTIA में, जो डेट थी एंट्रेंस के उसके हिसाब से, लेकिन एक ज़रा देर से पहुँचा वो मैं था। अब क्योंकि मेरा नाम राकेश बेदी है तो पता नहीं ये कैसे धारणा ये फैल गई कि राकेश बेदी कुछ कबीर बेदी का लगता है। तो लोगों ने अपने मन में ही एक इमेज बना ली कि एक 5 फुट, बाकी जितने भी थे वो सब 5'11" से कम कोई नहीं था, सब लंबे चौड़े थे, एक मैं ही सबसे छोटा था। तो लोगों को लगा भी ये भी जो राकेश बेदी आ रहा था शायद ये भी कबीर बेदी की फैमिली से है, ऐसा कुछ धारणा पता नहीं क्यों बन गई। तो उनको लगा कि एक 6 फुट नौजवान कोई आएगा। तो मैं एक दो दिन जब लेट पहुंचा मैंने क्लास में एंट्री मारी तो उसके बाद मुझे भी याद आ कि ओम मुझे कोने में भी मिला और उसने कहा एक मोटी सी गाली थी पंजाबी में, ओए तू राकेश बेदी है? मैं कहा हाँ जी, फिर तनु देख लाऊंगा मैं। तो मैं रहा क्यों डरे हुए थे मुझसे तुम? बोला नहीं यार, हमको लगा कि कोई कबीर बेदी का वो आ रहा है। तो क्यों, क्या इस समय, उस वक्त क्या होता है कि जब आप क्लास में जा रहे होते हैं एक कंपटीशन की बड़ी भावना होती है कि कहीं ये मुझसे आगे ना निकल जाए, इसको जल्दी काम ना मिल जाए, ये कुछ ज़्यादा आगे ना बढ़ जाए ज़िंदगी में। तो इस तरह की एक फीलिंग सब में होती है क्योंकि आप दोस्त तो बने नहीं होते, पहला दूसरा दिन नहीं होता है क्लास में। और दूसरी बात जिसको देख जब मैं अभी भी सोचता हूँ मेरी आँखें गीली हो जाती हैं। FTIA में एक दिन ओम ने ऐसे ही सुबह जिक्र किया कि यार आज मेरा बर्थडे है। तो हम सब ने कहा यार, मैं भी उसके साथ था, 3-4 लोग थे, मैं था, सतीश शाह था, हमने कहा यार ओम आज तो केक होना चाहिए। बोला हाँ केक होगा शाम को, डेफिनेटली केक होगा। हमने कहा पक्का? बोला हाँ केक का इंतजाम मैं करूँगा, आज मेरा बर्थडे है यार, बड़े दिनों से केक भी नहीं काटा। और आजकल जिस तरह की प्रथा है, आजकल किसी भी घर में बच्चे का बर्थडे हो तो केक फौरन आ जाता है, लेकिन उस जमाने में इस तरह से नहीं होता था। तो हमको लगा भाई आज FTIA में जो हमारी कड़की का ज़माना था, खाने के पैसे कम होते थे, मुश्किल से गुजारा होता था उस वक्त, उन दिनों में केक मिलेगा शाम को, तो एक बड़ी एक आशा सी शाम तक बनी रही कि आज शाम को केक खाने को मिलेगा, ओम अरेंज कर रहा है कहीं से। तो केक मतलब पार्टी, छोटी सी पार्टी और केक। शाम के मेरे रूम में बैठे हुए थे 2-3 लोग, शाम के 7-8 बज गए, फोन का पता नहीं, और उस जमाने में मोबाइल वगैरह था आपको पता थे ही नहीं। सडनली दरवाजे पे मेरे नॉक हुआ और वो अंदर आया, उसके हाथ में एक थैला था। तो मैंने कहा ये क्या है? बोला केक। केक दिखाई तो नहीं दे रहा। बोला एक मिनट है। उसने थैला खोला, उसमें से 5-6 कप केक निकाले, तो छोटे होते हैं ना वो, उस जमाने में 30 पैसे का एक आता था, 30 पैसे का एक, तो तकरीबन वो 6 केक 1.80 रुपए के थे। तो वो केक निकाले और हमने भी उसको इतना एंजॉय किया, वो 6 केक हमने टेबल पे रखे, उन 6 केकों के सेंटर में एक मोमबत्ती जलाई, ओम से भूख मरवाई और वो केक काटे और हमने खाए। ये जब मैं जब भी इस बात को याद करता हूँ मेरी आंखें गीली हो जाती हैं। और दूसरी जो मुझे एक बड़ी अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात मुझे याद है कि जब गांधी फिल्म बन रही थी तो रिचर्ड एटनबरो यहाँ पर आए थे और साउथ बॉम्बे के एक होटल में ठहरे हुए थे और कास्टिंग कर रहे थे। तो मैं भी उस जमाने में स्ट्रगल कर रहा था, ओम भी कर रहा, ओम को हरे अच्छे अच्छे रोल मिल चुके थे। तो मुझे पता चला कि वहाँ कुछ एक्टर्स जा रहे हैं रोल पाने के लिए, तो मैं भी वहाँ चला गया।
मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी गांधी की, तो मुझे जो भी चुनिंदा रोल थे उनके बारे में कुछ आइडिया था। तो मैं रिचर्ड एटनबरो से मिलकर बाहर निकला कमरे में से, तो मुझे ओम मिला बैठा हुआ। तो मुझे उन्होंने वेट करने के लिए बोला कि आप वेट कीजिए, आपको बताते हैं क्या डिसीजन है हमारा। तो मैं बैठा रहा, बाद में थोड़ी देर बाद ओम निकला। मैंने कहा ओम क्या हुआ यार तेरा? बोला मेरा हो गया। मैंने कहा कौन सा रोल? तो उसने रोल बताया। मैंने कहा वो बहुत छोटा रोल है, वो तो खाली एक सीन है यार, तू वो रोल करेगा? तो मुझे अभी भी याद है, उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, मुझे बेटी बोलता था, ओ बेटी देखिए मैं एक सीन ची फाड़ कर रख दिया। और मुझे इतना अच्छा लगा कि आज ये फोटो जो है ये उसी सीन की है, ये ध्यान रखिए। तो आप इमेजिन कीजिए कि जो अच्छा कलाकार होता है उसको लोन रोल की लंबाई का मोहताज नहीं होता, वो सिर्फ एक सीन। और आज हमको याद कर रहे हैं और स्टेज पे ये फोटो लगी है, ये मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि मेरा बड़ा अच्छा दोस्त रहा वो। उसके बाद भी और कई जगह हम मिले, जब भी मुझे मिलता था एक ही बात बोलता था, यार बेटी कोई जोक सुना, कोई जोक सुना। अब मुझे याद है कि अभी कोई 6-8 महीने पहले की बात है, हम लोग कहीं जा रहे थे, वो कहीं और जा रहा था, मैं कहीं और जा रहा था, एयरपोर्ट पर मुलाकात हो गई। तो लॉन्ज में हम बैठ गए, तो मैंने उसको देखा, तो देखते ही मैं उसके पास गया, मैंने कहा ओए ओम ओम जोक सुनावा तुम, एक मिनट ठहर यार। तो कुछ फ़ोन पे था और कुछ उसकी पर्सनल इश्यूज थे, वो फ़ोन पर तकरीबन आधा घंटा लगा रहा। और मुझे अफसोस है कि फ्लाइट अनाउंस हो गई, मुझे जोक सुनाने का टाइम नहीं मिला उसे। मैं बस यही दुआ करता हूँ कि वो जहाँ भी हो खुश रहे, लेकिन हमारे दिल में तो हमेशा रहेगा। गॉड ब्लेस हिम। एक एहसास है रूह से महसूस करो, हाथ को छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। आई डोंट नो कि मेरा उनके साथ जो संबंध था उसे मैं किन लफ्जों में बयां करूं, वो रिलेशनशिप था, वो किस तरह की फ्रेंडशिप थी, बिकॉज कई सालों तक हमने कभी इकट्ठे काम नहीं किया, 25 साल। एक चीज जो हर साल मुझे उनसे मिलती थी वो थी झप्पी, और ऐसी जादू की झप्पी मुझे और कोई नहीं देता था। कई सालों तक वो झप्पी हमेशा मुझे मिलती रही, लेकिन उनकी जो लाइनें थी वो बदलती थी, और वो रिलेशनशिप कुछ इस प्रकार था। पहली मुलाकात थी, रजत हैव वी वर्क टुगेदर? मैं कह नहीं हूं जी। 2 साल बाद, रजत वी हैव नॉट वर्क टुगेदर? मैं कह नहीं हूं जी। 2 साल और बीत गए, रजत वी मस्ट वर्क टुगेदर? 2 साल और बीत गए, रजत वाई आर वी नॉट वर्किंग टुगेदर? कई और साल, मैं कह रहा जब भी हैव टू वर्क टुगेदर। 2 साल पहले ये मौका मिला, हमने सिर्फ एक ही सीन किया था और 5 मिनट में खत्म। तो मेरे पास आए कहे कि ले रजत ऐ कोई गल हुई, ऐ तो आऊं खत्म हो गया। तो मैं क्या मुझे क्या करे, पर मेरी ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक चीज कही, कोई नहीं ड्रिंक तो बनती है शाम में, आ जाइए मेरे कमरे च। That was my relationship. I think we spent more time off screen than on screen, as you know. We only did one scene together. But वो शामें वो जरूर याद है। और मेरी अपनी पहली फिल्म की लाइनें मुझे याद आती है जब मैं उन शामों के बारे में सोचता हूं। ये शामें सब की सब शामें, क्या इनका कोई अर्थ नहीं? घबरा के उन्हें जब याद किया, क्या उन शामों का अर्थ नहीं?
And I think the biggest thing and the greatest thing about him, we are here to celebrate his work, his contribution to Indian cinema. But for me, wo hamesha, because of his attitude and his humility, he will always be an example. He will always be that symbol to look up to. वो हमेशा एक मिसाल मेरे लिए थे और हमेशा रहेंगे. थैंक यू ओम जी. नमस्कार. जितने लोगों को सुन रहे हैं, जितने किस्से सुन रहे हैं, मन कर रहा है सुनते जाएं और ये शाम शायद खत्म ना हो. ओम जी जितने बेहतरीन कलाकार थे, जितने बड़े स्टार थे, उनकी एक खासियत थी कि वो पंजाबी में कहते हैं निग्गापन, जिस निग्गेपन से वो आपसे बात करते थे, आपको लगता था कि आपका कोई फैमिली का मेंबर है जो आपसे अभी अभी मिला है. इतना कंफर्टेबल वो आपको कर देते थे. मुझे याद है सीमा दीदी ने एक बार फ़ोन मिलाया और सीमा दीदी का नंबर था और आवाज़ that unmistakable baritone voice was Om Puri's. And he said, play karengi mera naam. And he said, main tumhari Amrita ko adapt kar raha hoon Punjabi mein. Aur ye mera comeback hoga theater mein. To main chahta ki tu aap play vernal kar karengi. Jis warmth ke saath, jis apnepan ke saath, unhone mujhe ye kaha, I definitely had to do this. मुझे जो उनके साथ वक्त बिताने का उस रिहर्सल के दौरान, उस टूर के दौरान जब हम ये करते थे, चाहे हम लाहौर जाएं, चाहे कनाडा हो, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, आई रियली गॉट टू नो द पर्सन दैट ओम जी वॉज. जितने वो टफ टास्क मास्टर थे, मैंने कई बार उनसे डांट भी खाई और बहुत मज़ा आता था. बहुत अफेक्शनेट डांट जो कोई आपको अपना बड़ा डांटता है, दैट वॉज लवली. लेकिन उसके बाद जो वो पैम्पर करते थे, जो जिस वॉर्म्थ के साथ, खाने का उन्हें बहुत शौक था, तो जो भी ढाबा, जो भी कोई जगह हो, जो वहाँ की खासियत हो, वहाँ लेकर जाते थे. एक बहुत ख़ास किस्सा मुझे याद है और मैं जब भी उससे सोचती हूँ मुझे मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है. हम लोग पटियाला में थे, नीमराना पैलेस में हम लोग रुके थे, प्ले के लिए गए थे तेरी अमृता के लिए, और ठंड के दिन थे और इन्होंने कहा मेरी प्रिंसेस हो तो तुम पूरा प्रिंसेस सूट लो. तो मुझे अकेले पूरी छत पे वहाँ पे रहना पड़ा और वो नीचे किचन के पास में छोटे से रूम में रुके, बिकॉज उन्हें खाना खाना था वहाँ पर. सो सुबह सुबह इनका फ़ोन आया मुझे कि दुर्गा मंदिर चलेंगी. तो आई हैड जस्ट वोकन अप, आई सेड हाँ जी. तो ही सेड फटाफट आ जा नीचे. अब मुझे लगा शायद ऑर्गेनाइजर्स आ गए हैं, गाड़ी रेडी है और मैं ही शायद लेट हो गई हूँ. तो फटाफट से मैं रेडी हुई और नीचे गई तो देखा कि वो अकेले टहल रहे थे गेट के पास. तो मैंने कहा तो हम कैसे जा रहे हैं? तो इसे पैदल. तो आई न्यू कि जो मंदिर है वो इतना पास नहीं है, तो ऐसे पैदल. इसे हाँ ऑर्गेनाइजर सुते होने हैं, मैं नहीं उठा रहा उन्होंने, हम चलते हैं, ये पंजाब है, लिफ्ट ले लेंगे किसी से. सो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि जहाँ हमें ऐसी आदतें होती हैं बेसिक लग्जरीज, बेसिक कम्फर्ट्स की, वहाँ एक इंसान इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा एक्टर, इतना रेगुलर, इतना नॉर्मल कि चल लिफ्ट ले लेते. और बिल्कुल एफर्टलेसली गए पटियाला की सड़क पे जहाँ पंजाब मतलब, एंड आस्क्स फॉर अ लिफ्ट. और वो आदमी इतना एक्साइट हो गया ओम जी को देखकर कि मुझे लगता वो हमें मुंबई तक छोड़ जाता. सो बड़े कॉन्फिडेंस से जाके वो यार सानू जरा दुर्गा मंदिर ला दे. ही सेड हाँ जी हाँ जी. और हमें मंदिर तक लेके गए. मंदिर में हमने बहुत अच्छे दर्शन किए, तब तक सबको पता चल गया था कि ओम पुरी आए हैं. तो बहुत रश हो गया वहाँ पर. तो पंडित, इतने सारे हार हमारे पास थे, शॉल्स थे, तो पंडित बोले जी हम आपको आपकी गाड़ी तक छोड़ देते हैं, ड्राइवर होगा उसे फ़ोन कर दीजिए, लाइए हम लगा देते हैं. तो ओम जी मजा ले कि उनको बोल दें कि भाई हमारे पास गाड़ी वाड़ी नहीं, हम ऐसे आ गए. तो बोले नहीं नहीं वो हम कर लेंगे, तुम हमें बस शॉल और मालाएँ दे. तो शॉल और मालाएं लेकर आधी उनके हाथ में आधी मेरे हाथ में, आई वाज टोटली क्लूलेस कि क्या हो रहा है. हम लोग बाहर गए और मैंने कहा ओम जी अब. तो ही सेड रुक. एंड उन्होंने एक साइकिल रिक्शा रोका, फिर से लिफ्ट ना मतलब लिफ्ट तो नहीं, रिक्शा रोका और बैठ गए उस पर.
और इससे पहले कि मैं रियलाइज करूं, मेरा भी हाथ खींचा माला समेत और हम लोग दोनों रिक्शा में चल पड़े होते और जिथे भटूरे छोले मिल जाना उथे लेके चल. सो आई वॉज सो सरप्राइज. और रिक्शा वाला मुझे लगा उसको अटैक आ जाएगा बिकॉज जो जो जा रहा था वो पीछे इशारा कर रहा था देख देख मेरे रिक्शा पे कौन बैठा है. सो एंड ही वॉज सो अनफेज्ड, सो अनअफेक्टेड, सो नॉर्मल दैट मैं ये सब नहीं देख रही थी, मैं सिर्फ उनको देख रही थी कि ये इंसान क्या है, इतने इतने खूबसूरत शख्सियत. और उतनी देर में ऑर्गेनाइजर्स आ गए सबके, सॉरी जी आप बता देते हम पहुंचते, लेकिन ही वॉज टोटली किस्से सुना रहे थे, जोक्स सुना रहे थे, मुस्कुराहटें बिखेर रहे थे एंड आई थिंक जहां जाते थे वहां की जान बन जाते थे. एंड आई थिंक यहां जितने लोग आए हैं कहीं ना कहीं उनके दिलों में हमेशा वो जान बन कर रहेंगे और जहां दूसरी तरफ वो बैठे हैं वहां भी मुस्कुराहटें बिखेर रहे होंगे. सो मैं बस इतना ही कहूँगी, जहां जाएगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होगा. देखिए है ना इलम, देखे शर्माने का दिन नहीं है आज. आ जाओ आ जाओ, देयर ऑल द बैचमेट्स एंड वी आर वर्किंग टुगेदर. सो नमस्कार. मैं इस चीज के लिए तैयार नहीं था, मैंने पहले कहा था एनर्जी से कि मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन अशोक जी ने मुझे बुलाया यहाँ पे. ओम पुरी, उनके बारे में अभी तक बहुत कुछ कहा गया, कितने अच्छे इंसान थे, कितने अच्छे एक्टर थे, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वो तो विदित है. और मेरे लिए ओम पुरी एक गुरु की जगह है, क्योंकि जब मैंने ड्रामा स्कूल ज्वाइन किया मेरे सीनियर हैं ओम पुरी, तो फर्स्ट ईयर में जब मैं गया तो हमारे डायरेक्टर अलकाजी साहब ने कहा कि भाई एक प्ले चल रहा है स्टूडियो थिएटर में द लेसन, और आप लोग फर्स्ट ईयर के जितने भी बच्चे हैं आप लोग उसको उस प्ले को देख लीजिएगा. मैं कश्मीर के एक छोटे शहर से अपाकदल से आया था, मुझे ज़्यादा थिएटर के बारे में कुछ मालूम नहीं था, बस शौक था कि मैं थिएटर करूं. तो मैं वो प्ले देखने गया और उस प्ले को देख के ऐसा वशीभूत हुआ कि मैंने सोचा कि एक्टिंग ये है जो मैं मुझे मालूम था एक्टिंग के बारे में, वो एक्टिंग वैक्टिंग नहीं है, ये एक्टिंग है. और कम से कम 80 शो लगातार हर दिन मैंने ओम जी के देखे उस थिएटर में, और हर बार एक नई चीज, एक नई एनर्जी, एक नया विश्वास उस परफॉर्मेंस मुझे परफॉर्मेंस में मैंने देखा. और वो मेरा पहला सबक एक्टिंग सीखने का कि एक्टिंग एक्चुअली क्या होती है. तो वहां से आज तक उसके बाद हमने काफी फिल्में साथ में की हैं, टेलीविजन सीरियल साथ में किए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किया, यात्रा किया. उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो दिव्या जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, ही वॉज ग्राउंडेड ऑल द टाइम एंड ही नेवर अपने पैर उन्होंने अपनी जमीन से छोड़े कभी नहीं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था. शायद मुझे ऐसा रहना बहुत अच्छा लगता है. दो बातें मैं उनकी बताना चाहता हूँ कि वो कितने अच्छे इंसान थे. जब हम यात्रा कर रहे थे, यात्रा में हम सबको एक कंपार्टमेंट मिला था, तो उनको भी एक सेकेंड एसी का कंपार्टमेंट दिया गया था, तो वहाँ पे वो रहते थे. और शाम को जब शूटिंग खत्म हो जाती थी तो सबको ओम जी के कंपार्टमेंट में जाना था. क्यों? क्योंकि ओम जी ने अपने कंपार्टमेंट में अच्छी तरह से सारे नमकीन सजाए हैं. नमकीन सजाने के बाद कुछ और भी खाने की चीज़ें हैं, साथ में ड्रिंक्स भी हैं, और जो जिसको आना है वो आए वहाँ पर ड्रिंक्स करें और उनके साथ मज़े करें और जो मारे हंसे खेले. ये तो एक चीज मुझे लगा कि ऐसा शख्स, ऐसा एक्टर जो कि उस बुलंदी पे था उस वक्त, कि इतने इतने सिंपल और इतने इतने ऐसे इतने आम जैसे कैसे हो सकते हैं. ये एक मुझे लगता है कि हम सब जो हमारी जनरेशन के जितने भी एक्टर थे, मैं हमेशा कहता था देखो सीखो ओम जी से सीखो. देखो यार इतने महान एक्टर हैं और कितने सीधे साधे इंसान हैं. और जो यहाँ कहा गया था कि एक अच्छे एक्टर को सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है, उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल थी. एक और बात जो मैं कभी भूला नहीं हूं,
मैं फिल्म का नाम याद नहीं, बहुत पहले की बात है कि एक फिल्म का मतलब समझे रिलीज हो रही थी फिल्म, हम दिल्ली में थे, ओम जी उसमें थे और मैंने भी एक छोटा सा रोल उसमें फिल्म में किया था। तो अचानक जब हम सिनेमा हॉल के पास पहुंचे तो वहां पर नेचुरली लोग जमा हो गए, क्राउड हो गए, हो गए, तो ओम जी के फोटोग्राफ लेने लगे, तो मैं थोड़ा सा पीछे हटा। मैंने कहा यार मतलब मुझे थोड़ा नेचुरली एक मैंने एक छोटा सा रोल किया तो मैं पीछे गया तो ओम जी को नजर पड़ गई कि ये केके जो है थोड़ा पीछे रह गया, तो वो रुके और मुझे इधर आना, डांट के कहते चल इधर चल मेरे साथ, मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे अपने साथ ले गए और जहां जहां फोटोग्राफ थी जो जो फोटो खींच रहे थे कई लोगों ने ये भी कहा, मुझे याद है कि सर आपका एक सोलो, उसने कहा नहीं कोई सोलो वोलो नहीं, यू नो इसके साथ ही फोटो खींचनी है। एंड जब फोटो वोटो हो गए अंदर गए तो मुझे कान में कह रहे हैं चिंता मत करना ये मेरे दिन है तुम्हारे दिन भी आएंगे। अब इतनी सेंसिटिविटी एक आदमी की, कहीं एक नया एक्टर है एक नया कलाकार है जो मेरे साथ चल रहा है शायद ये महसूस ना करे कि उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, इसलिए ये एनकरेजमेंट ये इंसानियत ये और मैंने कहीं बहुत सारे एक्टरों में देखी नहीं है। और मैं सोचता हूं कि अगर जो हमारे पास यहाँ लोग हैं जो नए कलाकार हैं उनको इसे सीख लेनी चाहिए। ये कुछ चीजें थी जो मैं हमेशा याद रखूंगा, बाकी मेरे लिए तो लेसन है गुरु है। मैंने तो मतलब ओमपुरी जी आप कहते हैं कि नहीं रहे मेरे साथ 24 घंटे हर सेकंड हर लम्हा वो मेरे साथ है, चाहे वो ओम जी हो नसीर हो जिनसे मैंने सीखा है जिनको मैंने देख देख के सीखा है, मैं मेरे से कभी अलग हो ही नहीं सकते। बाकी जो मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हर जिंदगी में होती है, कोई भी जिंदगी ऐसे बिल्कुल ऐसे सीधी सपाट चलती नहीं है, हमें यहाँ पर उस वक्त उस जिंदगी के बारे में बात नहीं करनी है, हमें ये याद रखना है कि ओमपुरी हमारे एक इंस्पिरेशन थे, इंस्पिरेशन हमेशा रहेंगे। थैंक यू। नीना गुप्ता जी मैंने बहुत काम किया है ओम के साथ, तो यहाँ आने से पहले मैं कुछ याद करी थी क्या 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 कहूँगी, तो बहुत कुछ तो याद नहीं आया क्योंकि बड़े दिन से काम नहीं किया, पर छोटी छोटी बातें पुरानी में से कुछ याद आई, बहुत सारी बातें क्योंकि हमने बहुत काम किया, बहुत सारी फिल्में टॉप में भी काम किया इसलिए ज़्यादा पता नहीं लोगों को। सो मैंने कुछ ऐसा लिखा, आई यूज़ टू कॉल हिम ओमी पापा। ओमी पापा तुम एक मुस्कुराहट हो, तुम्हारी याद आती है तो मुस्कुराहट आती है चेहरे पे, तुम्हारी नटखट आँखें मेरी हिंदी पे मुझे छेड़ना, अरे नीना कहती है ओम मेरे संग चलेगा। मंडी फिल्म में कौशिक के साथ तुम्हारी नोक झोंक, मेरी नीना को ओए कोई हाथ नहीं लगाएगा। मेरी प्रेगनेंसी में मुझे धीरे धीरे गाड़ी चला के घर छोड़ना, अपने कछुओं से खेलना, घर को सजाने की छोटी छोटी चीजें लाना, मेरे लिए भिंडी की सब्जी बनाना, वैनिटी वैन में बैठ के गप्पे लड़ाना, मसाबा को प्यार करना, अन्याय के खिलाफ लड़ना, अपने पिताजी से उनकी नोक झोंक, अपने भाई बहनों के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा, बहुत कुछ है धीरे धीरे याद आता है, कभी भूल जाता है, पर जब भी याद आता है कुछ भी एक मुस्कुराहट आती है चेहरे पे। तुम्हें और तुम्हारी बदमाशियों को याद करके तभी तो मैंने कहा तुम एक मुस्कुराहट हो मम्मी पापा। थैंक यू भैया। पवन बोलो सर, इससे पहले कि पवन आए मैं मिश्रा जी को आप लोगों से मिलवाना चाहता हूँ कि मिश्रा जी जो है वो हम सब उसके बारे में बात कर रहे हैं लेकिन इनकी पर्सनालिटी से मिलना बहुत जरूरी है जो ओम जी के साथ लगातार है। मिश्रा जी आइए जरा। रवि ने तो पत्नी भी अनाउंस कर दिया। ये मिश्रा जी हैं जो ओम जी के साथ उन्होंने काफी समय गुजारा है।
मैं चाहता हूं कि इनके लिए आप अगर जोरदार तालियां बजाएं तो अभिमान के लिए कि वो तालियां ओमजी के पास जरूर पहुंची। शुक्रिया। क्योंकि पर्सनलिटी देखनी वो जरूरी है। पवन नमस्कार। ओम जी को मैं मिला तो गांधी फिल्म के वक्त था, पर जान पहचान सही मायने में 1982 मैं बॉम्बे आया, मैं जाने भी दिया फिल्म में प्रोडक्शन असिस्टेंट था और मैं उन्हें पापा जी बुलाता था। और मैं इतना जानता हूँ कि एक्टर अच्छे आदमी सभी जानते हैं, पर ये जिस तरह का काम करके गए हैं, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे हॉलीवुड में हो, सही मायने में अभी तक किसी ने हॉलीवुड सही मायने में अभी तक अगर हिंदुस्तान में किसी ने किया तो वो ओम जी ने ही किया। और जैसा कि सबने बोला कि बहुत अच्छे आदमी, कमाल के एक्टर, पर मैं कुछ दो छोटी सी चीजें शेयर करना चाहूंगा कि मैं प्रोडक्शन असिस्टेंट था जाने भी दयारों में और उसमें कई काम करते थे हम लोग, तो प्रॉपर्टीज भी मैं कर रहा था और उनका जो कैरेक्टर था वो हमेशा शराब पीता था और एक हमने पैक मेजर उनके हाथ में रखा हुआ था। तो जब भी कभी शॉर्टकट होता था तो मैं उनके पास जाता था कि वो पैक मेजर दे दीजिए, तो कुछ घंटे के बाद उन्होंने मुझे बोला यार तो फिक्र ना कर, लंबी ब्रेक होगी तो दांगा नहीं तो मैं संभाल के रखूंगा, क्योंकि मुझे लगता था प्रॉप संभालने, और वही हुआ। वो पैक मेजर कभी कहीं नहीं गया या उनका प्रॉप कभी उन्होंने खोया नहीं, या उनके कपड़े तय होके शाम को मिलते थे। और फिर हमने कई फिल्में की बाहर, हम आउटडोर्स में बहुत टाइम एक साथ बिताया। एक फिल्म हमने की ब्रिटिश फिल्म थी ब्रदर्स इन ट्रबल, जिसमें मैं लीड कर रहा था, और ये किस्सा मैं सुनाना चाहूंगा, उससे उनकी शख्सियत का पता चलता है। तो हमसे वहाँ जो ब्रिटिश प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने मुझसे पूछा कि आप लंदन में कहाँ रहना चाहेंगे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं गेलॉर्ड रेस्टोरेंट के पास, इफ यू कैन डू अरेंजमेंट, बिकॉज माय फ्रेंड वाज वर्किंग एज अ मैनेजर देयर। और हम जो भी हुआ उसके फाइनली हम एक फ्लैट गेलॉर्ड के पास शेयर कर रहे थे, एक अपार्टमेंट। और जब पहले दिन हम पहुंचे तो उन्होंने पूरा घर का मुआयना किया और फिर मुझसे कहा कि तेरे जो दोस्त हैं भाटिया साहब उनसे पूछते हैं मसाले कहाँ मिलेंगे। तो मैंने कहा पापा जी मसाले क्यों, नहीं खाना बनाएंगे यार, पूरा इक्विप्ड किचन है। तो ऐसे नहीं नहीं खाना वाना क्यों बनाएंगे, गेलॉर्ड इसीलिए मैंने पास में बोला, और नीचे एक 24 आवर्स स्टोर है, कभी देर हो जाएगी तो वहाँ सैंडविचेस मिलते हैं, और नहीं यार रोटी बनाएंगे। तो ऐसे मैं खाना नहीं बनाऊंगा, मैं बर्तन धो दिया करूंगा, मुझे खाना बनाना बहुत बोरिंग लगता है, मैं बनाऊंगा यार तू चिंता ना कर। सो एनी वे भाटिया साहब के पास से हमारे पास मसाले आ गए और वो खाना बनाया करते थे। और कभी भी हमारी टेबल ऐसा नहीं हुआ कि हम सिर्फ दाल से सब्जी खा रहे हो, खाना खा रहे हो, हमारी टेबल पूरी भरी होती थी। और मैं एक सीन था, कभी कभी उसके लिए आटा ले आता था गेलॉट से जस्ट टू रिहर्स कि मुझे रोटी बनानी, तो जो आटा साफ रहता था वो बोलते थे ए तू छोया तो नहीं, और उसमें जैसे माएँ हमारी करती थी ना कि रात की सब्जी बची है तो उसमें उसको स्टफ परौंठा बना दिया। और वो एक महीना रहे और मैं दो महीने रहा था क्योंकि मेरा रोल बड़ा था, और उसी वजह से उन्होंने एक रोज, मैं अपने कमरे में स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ और मुझे बर्तन धोने की आवाज आई तो मैं दौड़ कर बाहर आया और मैंने बोले पापा ये मेरा काम है तुझे नहीं करना, और नहीं यार तेरा रोल बट्टा है तू स्क्रिप्ट पढ़ रहे से मैं कई खाली हूँ। और कुछ टाइम से मैं बहुत रेगुलर नहीं मिल रहा था और हमने बहुत अच्छा टाइम बिताया, बहुत मुश्किल होगा भूलना, और अभी मुझे सिर्फ बार बार यही दिमाग में आता है कि अब मैं उनको चलते हुए कभी भी वो यारी रोड सात बंगला से चलते हुए आ जाते थे, और शायद बहुत सारे लोगों को लगता हो कि अब मैं स्टार हूं, कुछ ऐसा कभी फीलिंग नहीं थी साथ में, एंड आई ऑलवेज मिस हिम। और खासकर बहुत सारी कुछ आउटडोर्स किए उसमें बहुत बहुत अच्छा टाइम बिताया, और कुछ आउटडोर्स ऐसे थे कि बहुत लंबे थे सिटी ऑफ जॉय जैसे, या ये तो ब्रदर्स इन ट्रबल के टाइम तो एक महीना एक ही अपार्टमेंट में रहना। एज एन एक्टर जो वो काम करके गए हैं,
इवन यहाँ पर जो सबसे अच्छे एक्टर्स की बात कर रहा हूँ उसमें भी बहुत ऊपर नाम आता है कभी साहब, चाहे सी ग्रेड फिल्म दे दीजिए, चाहे आप किसी भी तरह की उनको फिल्म दीजिए, वो अपने रोल में ऐसे समा जाते थे एंड इंसान के तौर पर और एक्टर के तौर पर वो हमेशा एग्जाम्पल रहेंगे एंड आई विश हिम जहाँ भी हैं खुश रहे, आई ऑलवेज मिस हिम, थैंक यू सो मच। और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि वैसे तो टाइम लिमिट नहीं है, सबको जाना है एक दिन, बट जितनी बार भी गेट टुगेदर हुए हैं ये दो तीन चार बार लोग मिले हैं, जिस तरह से इंडस्ट्री आई है और जिस तरह से आई फील वेरी गुड कि इस तरह का उस शख्सियत को जो रिस्पांस मिला है, नहीं तो जनरली मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि अगर आगे पीछे फिल्म से जुड़ा हुआ कोई ना हो तो बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन आई थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर थैंक यू। पिछले 13 दिन से सच कहती हूँ ऐसा एक भी मिनट नहीं गया जब मैंने ओम जी को याद नहीं किया हो, कुछ ऐसा हो गया कि उसको शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते क्यों वो इतनी तकलीफ दे रहे थे, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि इतने अच्छे व्यक्ति का, इतने समझदार व्यक्ति का ऐसा अंत क्यों हुआ, और वो ज़िंदगी में घबराहट पैदा हो जाती है। बहुत प्यार करते थे, नीना चली गई, मुझे ये कहना है कि हम बैठी गए, कोई बात नहीं, तो और भी अच्छी तरह से कहूँ तो ओम जी से वैसे मंडी से पहले का मेरा रिश्ता है, क्योंकि ओम जी जब एनएसडी में थे तो मैंने शॉर्ट टर्म एनएसडी में कोर्स किया था, और उस समय उत्प्रेती साहब थे, वो म्यूजिक के टीचर थे, तो पता नहीं मुझे भी ऐसा शौक है कभी टेबल बजा के गाया कभी कुछ गाया, तो उत्प्रेती साहब के कानों में मेरी आवाज़ पड़ी, तो एक दिन अपनी क्लास में ले गए और उस क्लास में ओम जी भी बैठे थे, मैंने गाया होगा, ओम जी ने सुना होगा, मैं निकल गई, पर ओम जी के दिमाग में वो गाना अटका हुआ था। फिर मंडी हुई, फिर बहुत सारी फिल्में हुई, जो भी व्यक्ति श्याम बाबू के साथ फिल्म करता है तो वो एक परिवार में बनता जाता है, ओम जी हमारे उस परिवार के सबसे अहम एक, जिसको कहते हैं कि उनका एक ओहदा था, और बहुत ही प्यार से सबके साथ होते थे, पर उन्होंने मुझे मरवा दिया, वो कभी भी कहीं भी रात के 12 बजे, सीमा भी यहाँ बैठी हुई हैं, रात के 1 बजे कहीं सड़क पे हों, कहीं झालावाड़ में हों, कहीं भी बैठे हों, यार तुम्हारा देखो एक राजस्थानी यहाँ पे बैठा है, यार एक मिनट वो गाना गा के बताना, तो मैं कौन सा, तो मैंने उस पर लगा दिया है तुम गाओ, मैं ओम जी मैं भी नहीं गाना, तुम बड़ी चुड़ैल है, बात नहीं मानती, बड़ी स्टार बन गई है, तुम कुछ भी डांट देते थे वो, और डांट को सहना पड़ता था। तो पहली बात कि इससे आगे मैं बढ़ूँ, कुछ ऐसा हुआ छोटे 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 रोल करते हुए मेरी जिंदगी में एक इंटरनेशनल फिल्म आ गई, और वो भी ओम जी के साथ। अब तक की फिल्मों में रोल छोटे होते थे, समय बहुत होता था, तो मैं उनके साथ बहुत मजाक करती थी, ये तो बिल्कुल आमने सामने, और वो उनकी तिरस्कृत वाइफ जो कि पाकिस्तान के पंजाब से थी, तो लेडली उजविन ने जब उटविन ने मुझे सेलेक्ट किया तो ओम जी से कहा इला अरुण को, तो उन्होंने कहा इला क्या करिए, वो तो राजस्थानी है, उसको पंजाबी आता ही नहीं, तो लेस्ली ने कहा ओम जी सेइंग लाइक दैट वुड यू डू टैसेरालिटी का चैलेंज, डोंट टेल हिम एंड आई नीड अ कोचिंग। तो फिर एक उर्दू में स्क्रिप्ट आ गई, उन्होंने कहा ओम जी ने कि इला से ना उर्दू में पढ़वा लो क्योंकि पंजाबी नहीं कर पाएगी, उसको देखते ही मेरा तबका बदल गया, मैं तो किसान की थी, आप हुजूर होने लगा, मैंने कहा नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, तो पाकिस्तान से कोच आया, ये उनकी महानता है कि पाकिस्तान की जो पंजाबी वो थोड़ी अपने यहाँ की पंजाबी से अलग है, मैंने सीख लिया। उसके बाद जहाँ 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 हम गए, चाहे वो अबू धाबी हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे टोरंटो हो, हर जगह उन्होंने यही बात कही कि देखो मैंने इला को ऐसे कहा था पर वो मुझसे अच्छी पंजाबी बोलती, हर वक्त वो मुझे अभी बोलते थे कि बोल के बताओ, तो एक तो उनकी ये महानता थी, और मतलब भाई डायलॉग बोलने के बाद किसको याद रहते हैं, तो मैं ऐसे ऐसे शक्ल देखने लगती थी। फिर
यही हंसी, और ऐसे ही वो देख करके आपको घूरते थे। जब हम वेस्ट इज वेस्ट में थे तो रात को मुझे लगता था हमें फाइव स्टार में ठहराया, अच्छा खाना खाएंगे, वो क्या करते थे, चलो 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 खाना खाने, क्या खाओगे, मैं तो वेटर का डब्बे का खा रहा हूँ, तुम्हें भी वो खाना पड़ेगा। हमेशा उन्होंने वेटर के डब्बे का हमें खिलाया। तो मतलब एक सादगी, और सबसे बड़ी बात है कि मैं ईशान की बुआ कैसे बनी। एक दिन वहाँ छत पे बैठे थे, नीना और भी लोग थे, तो उन्होंने कहा इला तुम मेरे लड़के की बुआ बन जाओगे, तुम्हें मैंने उस नज़र से देखा नहीं, बाकी ये मैं नीना वीना को बुआ नहीं बना सकता हूँ। मैंने कहा यार ये तो बोले तुम बुआ बन जाओ। उस दिन से मैं बुआ बन गई ईशान की। और फिर उसके बाद देखिए हम टोरंटो के वहाँ खड़े हुए थे, बोले तू कैसी बुआ है और कैसी बहन है, आज राखी तो राखी नहीं बांधेगी। आज जस्ट रश टोरंटो की उसमें गए, एक जगह से मैंने कुछ लिया, कुछ ऐसे बच्चों के जो क्लिप के नहीं लगाते हैं उसमें डोरा वोरा बांध के ओम जी के बांध दिया, मुझे $100 मिले। और उसके बाद अभी जब NSD में अलका जी की बर्थडे मनाई गई थी, सब लोग गए थे, फिर उन्होंने मुझे पकड़ लिया। ये गाना मैं अक्सर उनको सुनाती थी जो मैं अब गाने वाली हूँ, फिर पकड़ लिया और कहा हे इलारुण, इलारुण कहाँ है, उसको बुलाओ, हे चुड़ैल इधर आओ, ये इलारुण कहाँ है, गाओ तनक चढ़िया की। मुझे ये समझ में आया कि वो मुझे क्यों कहते थे गाओ, इसलिए नहीं कि मैं अच्छा गाती थी, इसलिए कि वो खुद बहुत अच्छा गाने लगे थे इस गाने को। और हमारे बीच में डील हुई थी, मैंने कहा वो ये चाहते थे इसको आगे मैं लगा दूँ फिर मैं सबको सुनाऊँ कि मैं इतना अच्छा गाती। एक तो उनका दमदार आवाज़, फिर वो गाते थे, तो हमारे ये तय हुआ था कि मेरे सन लौधरू के साथ हम उसको रिकॉर्ड करेंगे और ओम जी को मैं प्रेजेंट करूँगी। वो दिन तो आया नहीं, पर आज आपके लिए आपके बिना कहे मैं वो गाना गाती हूँ। वो गाना क्या था, ट्रक वालों से मैंने सीखा था, तो जो उसका झोल है ना ऊपर गई आवाज़ और नीचे गिरी, यही ओम जी को पसंद आता था, तो उन्होंने सुन लिया था, वो ऐसे था ओ तनक चढ़ारी कांच लीने काख माले गोर जीजो गयो पड़ो मेला में हम बे बीजनी ले गोर दादा भाई बीजनी ले गो अरे फिर ये गाते थे ता 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 गुलगुला में खार जाऊं लो रे थारी पोली में पटेलन तोरण मार जाऊं लो हंसा मार जाऊं लो ओरे। अनूप सोनी जूही जी प्लीज आई। इससे पहले अनूप और जूही आए, इस दौरान मैं ओम जी मुझे कश्मीरी में गाली बहुत देते थे, उनको एक के रहना ने एम के रहना ने अनुपम खेर ने सिर्फ कश्मीरी गालियां सिखाई थी, और जब भी मेरे फोन पे बात करते थे सिर्फ कश्मीरी में गालियां देते थे मैं, और मुझे बोलते थे कि भैया तू रात का मेहमान नहीं है, तू दिन में आया कर, सूरज जैसे ही डूबता है तो मुझे दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि ना तो शराब पीता है, ना तो मीट खाता है, ना तो बैयाशी करता है, ना मस्ती करता है, और डांट के मुझे घर से रात को बाहर निकाला करते थे। इस 15 मार्च को हम सब साथ में जाने वाले थे अमेरिका, बट एज फेट डिडंट अलाउ दैट टू हैपन। हियर वी आर जूही। आदाब, नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द लवली पीपल हु लव बाबूजी। आई कॉल हिम बाबूजी। एंड मेरे पापा मम्मी और उनका रिश्ता 70s से है, और वो अलग है। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट क्योंकि मेरा उनसे एक अलग रिश्ता बना। मेरी पहली फिल्म काश आप हमारे होते, उसमें वो मेरे फॉस्टर फादर बने थे, शरद कपूर के पिता थे, मगर मुझे पाला था उन्होंने, तो उसमें मैं उनको बाबूजी कहती थी। नाउ ही हैड बीन ओम अंकल ओम जी, और मुझे जब तक मेरी पहली फिल्म नहीं हुई थी तब तक फिल्मों से काफ़ी दूर रखा गया था, लाइक ऑल पंजाबी फादर। सो नाउ आई वॉज एक्टिंग विद ओम जी। अब ऐसा हुआ कि वो सीन था हमारा कि ओम जी फ्रेम में है एंड आई एंटर, और उन्होंने शरद कपूर को मार दिया है,
एंड मैं आती हूँ और पीछे से सिर्फ मैं कहती हूँ बाबूजी आपने क्या किया, और उनका कुछ ऐसा वाला डायलॉग था कि ये तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था टाइप ऑफ थिंग. सो आई केम एंड आई सेड बाबूजी आपने क्या किया, नादरा जी आपने इतने दिनों से कोरमा नहीं खिलाया तो और क्या होगा. ऑब्वियसली आई वाज लाइक ये क्या हो गया, एंड वहाँ पे रविंद्र पीपर जी वाज देयर, ही सेड ओम जी अब क्या करूँ, अरे क्या करूँ यार ये बच्चियों की आवाज़ अपनी मम्मियों से इतनी मिलेगी तो और क्या होगा. सो दैट वॉज माई आइस ब्रेकिंग मोमेंट एंड फ्रॉम दैट डे ही बिकेम बाबूजी. शूटिंग कैनेडा में थी, कैलगरी में, और ऐसे ही वो गप्पे मारने के लिए बुलाते थे कमरे में, तो हम लोग जाते थे, आई मीन 4-5 ऑफ अस, एंड कुछ ऐसा हुआ दैट वी वर टॉकिंग अबाउट बर्थडेज एंड ही आस्क्ड व्हेन इज योर्स, मैंने बताया रावी थी, ऐसे ही हम लोग सब बता रहे थे, एंड आई सेड आपका कब है, तो वो बड़ा गिनाने लगे, अरे अक्टूबर में बड़े सारे बर्थडे हैं, 17-18 अक्टूबर को तो बहुत लोगों के हैं, जैसे 18 अक्टूबर को मेरा, 17 अक्टूबर को स्मिता पाटिल, और फिर बोलकर चुप हो गए, एंड ही जस्ट लुक्ड एट मी एंड आई कुड सी दैट ही इज अ लिटिल ऑकवर्ड, और मैंने सिर्फ ऐसे कहा कि आई अंडरस्टैंड बाबूजी, एंड ही सेड, ऐसे ही घूंट लिया रखा और कहा यू मस्ट अंडरस्टैंड, अगर तुम्हें अच्छा कलाकार बनना है बेटा तो रिश्तों को समझना और उनकी इज्जत करना. लेटर बाबूजी और मेरे रिश्ते को एक और मोहर लग गई, मैं ईशान को राखी बांधती हूँ, सो आई एम इन अ वे बाबूजी एंड आई एम हिज डॉटर. कुछ फोन कॉल्स बड़ी इंटरेस्टिंग, काश आप हमारे होते, डिडंट डू वेल, एंड ऑफ कोर्स आई वाज स्टैम्प्ड एज फ्लॉप. सो कुछ ऐसी एक दिन बात हुई, किसी वजह से मेरे उनके साथ फोन कॉल हुआ राइट आफ्टर द फिल्म, एंड ही सेड कैसी हो, तो मैंने ऐसे कहा हाँ ठीक हूँ, क्यों क्या, मैंने कहा अच्छी फिल्में नहीं मिल रही हैं क्या करूँ, तो क्या हो गया मत करो. ही सेड तुमको क्या राजबब्बर की तरह चार बहनें बिहानी हैं, भाइयों को सेटल करना है या मेरे जैसे पूरी फैमिली इसको सेटल करना है, घटिया काम मत करना लड़की. ओके एंड नॉट दैट आई मेड अ चॉइस, गॉड वॉज वेरी काइंड, घटिया काम आया ही और ना अच्छा काम आया, सो एटलीस्ट आई वॉज नॉट नोन फॉर घटिया काम. अ वेरी रीसेंट कॉन्वर्सेशन, दिवाली पे उन्होंने फोन किया था मम्मी को और कहा मैं चाहता हूँ कि ईशान आपकी वर्कशॉप करे, अब वो बड़ा हो गया है, अब बस आप लोग अपनी छाया में ले लीजिए और उसको बना दीजिए, अब बड़ा हो गया वो. एंड ऑफ कोर्स मम्मी से पापा से, पापा भी बॉम्बे में थे, सो बात हुई अच्छे से, एंड देन ही कॉल्ड मी एंड ही सेड द सेम थिंग टू मी कि मैंने नादरा जी को कह दिया है और वो आएगा, और मगर तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वो रेगुलरली क्लास में आए और ठीक से सीखे वगैरह वगैरह. एंड ही सेड तुम क्या कर रही हो आजकल, एंड आई सेड कुछ खास नहीं बाबूजी, बच्चा घर पति. पॉज, बेटा यही खास है. और क्या खास, इससे तुम टैलेंटेड माता पिता की बेटी हो, एक्टिंग करनी है ना जिंदगी भर, बेटा एक्टिंग करनी, बुढ़े हो गए हम एक्टिंग कर रहे हैं अब तक, इसे अभी जो खास है ना जो जरूरी है वो करो. सो बाबूजी ट्राइंग टू डू माई खास राइट नाउ, लव यू ऑलवेज, रिश्ता कायम रहेगा ईशान की बहन, एंड लाइक आई सेड आई रिस्पेक्ट रिलेशनशिप्स, सो सो लवली टू सी ऑल ऑफ यू, सो लवली टू सी यू सीमा जी, थैंक यू, थैंक यू अशोक, थैंक यू सुशांत एंड थैंक यू अमित फॉर कोक्सिंग, थैंक यू, नहीं तो मैं नहीं आ पाती. थैंक यू सतीश कौशिक. मेरी तरफ से एक्चुअली पुरी साहब के बारे में कुछ कहना इनकम्प्लीट होगा अगर मेरे साथ यहाँ पर नीना गुप्ता नहीं होगी. नीना आर यू इन द ऑडिटोरियम, वो चली गई. अरे यार देखा, मैं हमेशा उसको बोलता था पुरी साहब से बच के रहे, बच के रहे, बच के रहे, ठीक है ना. पुरी साहब बड़े दिल फेंक आती हैं, तेरे को कभी अपने नेशनल अवार्ड दिखा के है ना अंदर कर लेंगे तो समझ में है ना. पुरी साहब नीना चली गई देख लो.
मेरे आते ही चले गए. क्या बोलूं मैं, मेरे को अच्छी तरह याद है. ये यही किस्सा जो है, पुरी साहब वो सुषमन पिक्चर बन रही थी एक, वो कुछ वीवर्स के ऊपर थी. तो पुरी साहब जो है वो अपने कैरेक्टर में हमेशा बड़े मेहनती, कितने इंसान थे और कितने मेहनती एक्टर थे. तो वो एक्चुअली हैदराबाद से कहीं दूर किसी जगह पे एक एक पोचमपल्ली में अपने एक जहाँ पर वो वीवर्स की वो लूम्स हुआ करती थी, वो वहीं रहते थे. ऐसा वहीं खाते थे, वहीं पीते थे, अपना डिनर भी करते थे, ताकि उनको एक्चुअली वो सीखना था असल में. तो वो उसके लिए हम सबको छोड़ के यहाँ पे होटल की बजाय वहाँ रहा करते थे और नीना को वहाँ बुलाते थे. तो मैं नीना को बोलता था मत जा वहाँ पर, इनके नेशनल अवार्ड पड़े होंगे, तू अट्रैक्ट हो जाएगी और मेरा पत्ता कट जाएगा. मेरे पास नेशनल अवार्ड के अवार्ड नहीं मेरे पास. तो हमारी ये बात चलती थी, हमारा ट्राय होता है. इसीलिए मैं एक्चुअली नीरज गुप्ता को बुलाना चाहता था कि ये ट्राय हमने इतना एंजॉय किया सुषमन के दौरान, और वो हमेशा मेरा हाथ मरोड़ने में पता नहीं क्या इनको इंटरेस्ट आता था कि जब मैं मेरा हाथ पकड़ के बस घुमाते रहते. वो एक बार बल्कि श्याम बाबू यहाँ पे है कि नहीं पता नहीं, मेरे को अच्छी तरह, मैंने गलती से, मेरी आदत है कई बार कुछ ऐसा ह्यूमर करने की, तो वो सुषमन जो है वो वीवर्स के ऊपर थी कपड़े बनाने पे और मतलब बुनने वालों के ऊपर थी. तो एक बार हम तो वहां पर पुरी साहब वगैरह हम सब खड़े हुए थे बात में, पुरी साहब ने मुझे बहुत डांटा वो कहने के लिए, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया श्याम बाबू ये पिक्चर बुनकर कब तैयार हो जाएगी. तो वो बुनकर में थी बस. तो श्याम बाबू को बड़ा गुस्सा आया पता नहीं क्यों. किसी बात से परेशान थे और उन्होंने विस्की का ग्लास मेरे मुंह पे विस्की कर दिया. तो फिर पुरी साहब ने मुझे डांटा और कहता यार तू बड़ा कमाल का आदमी है, तेरे को किया है, तेरे को ऐसे तेरे अपने अपने टाइप के जोक करने की क्या जरूरत थी श्याम बाबू के सामने. मैंने कहा जी मैंने तो बुनकर इमीडिएटली इस्तेमाल कर लिया ऐसे. उसी दिन में मुझे अच्छी तरह याद है, मतलब क्या है, एक तो मेरी बातों पे हंसते थे कॉन्स्टेंट, हमारा ये होता था कभी शॉर्ट नहीं होता था तो हम लोग बैठे रहते थे मजाक करते रहते थे, हमारी आदत थी. मेरा उस पिक्चर में थोड़ा सा एक सीरियस रोल था, तो वो हंसते हंसते क्या हुआ शॉर्ट रेडी हो गया और श्याम बाबू ने कहा था एक ही बार में करना है ये. तो ये उन दिनों में एक रील होती थी ना कि 400 फीट चलेगी, और मेरा कुछ सीन ऐसा था उनके उनकी बैक थी और मेरा फ्रंट था और बाद में उनके शॉट होने थे. तो वो हंसते हंसते मैं गया, शॉट रेडी हो गया, मैंने डायलॉग याद किए हुए थे वो किया, और मैंने आके गुस्से में वो पूरी साहब को मुझे डांटना कि खबरदार तू अगर ऐसा किया और ये किया तब. तो मैंने ही अपना डायलॉग बोलने शुरू किए और इनकी बैक और ये हंस रहे थे ताकि मुंडी भी ना हिले तो बैक शॉट है. मेरे को कैसे वो पूरा डायलॉग कंप्लीट करना पड़ा, मेरी हालत हो रही है, और वो श्याम बाबू ने कहा था कट नहीं करना बीच में. अभी वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड एक्टर थे, बड़ी मुश्किल से तो काम मिलता था, वो भी आधे में कट जाएगा तो कैसे रहेगा सर. तो पूरा जब शॉट खत्म हुआ तो मेरी हालत, मैंने कहा पूरी साहब क्या कर रहे हो आप यार, मेरा सीरियस सीन चल रहा है आप हंसे जा रहे हो. वो कहते यार तू अभी तो हंसा रहा था सबको, अब तू गुस्से में कैसे हो गया तू इतनी जल्दी. मैंने कहा यार नेशनल अवार्ड विनर एक्टर हो, आपको बताया कैसे एक्टर चेंज होता है ना. कहते नहीं यार तेरे पे गुस्सा सूट नहीं करता, मैं इसलिए हंस रहा था सर. तू गुस्सा क्यों करता, गुस्सा होने की जरूरत क्या. पर मैंने कहा मैं कैरेक्टर है मेरे में, क्या करूं यार, मेरे को गुस्सा तो होना पड़ेगा. तो ये पुरी साहब हमारे, और खैर मेरा तो आप अगर समझे तो हमारी शुरुआत जो है, मैं अच्छी तरह याद है अगस्त 1979 में आया था ये शक्ल को लेके, तो बहुत ही अंदर से हिला हुआ हौसला था, सपना बड़ा स्ट्रॉन्ग था. बड़ी खुशी की बात थी कि पृथ्वी थिएटर का आगाज हो गया था, पृथ्वी थिएटर खुल गया था, तो थोड़ा कुछ अपना टैलेंट दिखाने का मौका. और मेरा पहला, मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं 9 अगस्त को एक्चुअली लैंड, नहीं लैंड तो नहीं, मैं ट्रेन से आया था, तब तो लैंड ही नहीं थी इसलिए ट्रेन से आया था. तो पृथ्वी थिएटर आया और 9-10 अगस्त को बिच्छू प्ले ऑलरेडी चल रहा था, और
रंजीत कपूर ने मुझसे कहा यार हमारा एक एक्टर चला गया, तू तो बिच्छू में बैकस्टेज काम कर चुका तो तेरे को डायलॉग याद हो गए, ऐसा करे 16 अगस्त को पृथ्वी थिएटर में प्ले है तो तेरे को 16 अगस्त को ये शो करना, पूरी साहब उसमें मेन रोल करते थे। तो मैंने कहा मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं है, अभी पता नहीं है, मैं अपने रिश्तेदारों के भाई कला रहने गया था, उनको बताया कि मैं एक्टर बनने आया हूं तो 3 दिन से उसने बात ही नहीं की है मुझसे यार। तो वो बात करना बंद कर दिया उन्होंने, वो मैं बार बार मेरी तरफ देखते रहते हैं ये कह क्या रहा है। तो बिच्छू प्ले था और बिच्छू प्ले में अब मैंने सोचा है ये पृथ्वी थिएटर है यहाँ पर सब है, पुरी साहब, रत्ना, सुप्रिया, राजदान, अथर नवाज पता नहीं है शायद, हाँ अथर वो रोल करता था, अथर लखनऊ चला गया था और मेरे को वो रोल बाय चांस मिल गया, थैंक यू अथर, थैंक यू वेरी मच। वो अगर तू नहीं छोड़ के जाता और तू लखनऊ नहीं जाता तो मैं दिल्ली में बैठा होता, थैंक यू वेरी मच। बाय चांस क्या हुआ कि वो मैं अपने इम्प्रोवाइज करता था तो इम्प्रोवाइज करते करते मैं कुछ बार बार करूं, पूरी अच्छा पूरी साहब ने पूरा प्ले जो है वो अपनी मुट्ठी में कर रखा था कि कोई एक्टर दिखना नहीं चाहिए सर, वो पूरी साहब करते भी ऐसे थे, एक तो खुजाते खुजाते तो पूरा प्ले करते थे सर मैं ना कभी इधर खुजाएंगे कभी इधर खुजाएंगे, तो मैं बोलता था पूरी साहब आप क्या कि खुजाते खुजाते डायलॉग याद करते हो गए, यहाँ पे अगर बोला तो ये वाला डायलॉग आएगा चुप रहे तू, मेरे को हमेशा डांटते बहुत रहते थे और मैंने थोड़ी सी इम्प्रोवाइजेशन की तो मेरे को लाफ्टर ज्यादा आने लगे, लाफ्टर ज्यादा आने लगे तो मुझसे कहते यार तुम ज्यादा इम्प्रोवाइज मत किया करो, समझे ना कभी अपने घटिया घटिया जोक्स है इस प्ले को खराब मत करो तुम। पुरी साहब ठीक है आप जैसा कहे वैसा। तो ये थे हमारे पुरी साहब, मैं शुक्रगुजार इसलिए हूं कि पुरी साहब वो एक्टर रहे हैं, वो इंसान रहे हैं जिन्होंने बैरियर्स ब्रेक किए, जिन्होंने वो सीमाएं जो हैं उनको लांघा है। जब 70s 80s में सिर्फ ये बोला जाता था कि चॉकलेटी फेस जो है, जो अच्छे फेसेस हैं वो ही फिल्मों में आ सकते हैं, पुरी साहब आप नहीं होते तो हम नहीं होते, हम बंबई में होते क्योंकि आपने जो जंग लड़ी, जो आपने जद्दोजहद की, जो आपने कितनी मेहनत से, हमने पुरी साहब को मेहनत करते हुए देखा है, जूझते हुए देखा है, उन सीमाओं को पार करते हुए देखा है कि जब इस तरह के एक्टर का जो एक जो नॉन कन्वेंशनल लुक लेके आते थे उनको हिंदुस्तान क्या, उन्होंने पूरे विश्व के अंदर उस फेस को सबसे बेस्ट फेस करा रखा है। तो पुरी साहब का तो हम लोग बड़े धन्यवादी हैं कि वो इस तरह की एक सिनेमा को छोड़ के गए हैं जो हम हमेशा याद रखेंगे और हमेशा उनको दुआएं देंगे कि आपने एक्चुअली हमारे लिए रास्ता बनाया, एक्चुअली आप गए नहीं हो, आप तो हमारे साथ हो, क्योंकि आप हो तभी आप जैसे लोग जो है वो और इस इंडस्ट्री में आएंगे और जबरदस्त एक्टर्स बनेंगे, क्योंकि आपको याद करेंगे और आपको अपने पास रखेंगे और आपको अपने साथ रखेंगे तभी हम में वो हौसला और वो ताकत जो है वो बरकरार रहेगी, क्योंकि पुरी साहब आप गए नहीं हो, आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सतीश। मैं रामगोपाल बजाज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज आइए, यू हैव शेयर्ड ब्रिलियंट एक्सपीरियंसेस विद हिम एंड फैंटास्टिक डेज विद हिम। बंधुओं, ये बड़ा मुश्किल लम्हा है कि सतीश ने भी जिस तरह से इस बात को दिखाया है और बखान किया है उसके बाद मैं ओमपुरी के बारे में बोल पाऊँ, लेकिन मैं फिर भी हिमाकत करूँगा सतीश। और कुछ और लोगों ने तरह तरह से बात की है जो हमारा रिश्ता तो नहीं कहना चाहिए, ये कि जो हमने देखा ये सही है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में ओम जब आए थे 70 में
हम लोग 7-8 साल उन लोगों से सीनियर थे, नसीर वगैरह के बैच से, और उनके बैच में बंसी कौल, नसीरुद्दीन शाह, भानु भारती, ज्योति सुभाष, ये लोग थे। और हम लोग झांकने के लिए जाया करते थे देशांतर से कि देखें कौन से नए बच्चे आए हैं, हमसे ज़्यादा 30 मार्क का कौन आ गए। और जब हमने नसीर का एक आधी एंट्रीज देखी या एक आधा काम ओम का क्लास का देखा, और मैं जाकर के देशांतर में कारंत जी और ओम चौधरी वगैरह हमारे सीनियर थे, उनसे बोलता था भाई साहब बहुत बहुत तुफी चीज आई है ऐसी ऐसी, और वे लोग मुझे डांट देते थे तो खामखा इंप्रेस हो जाता है, बड़ी मलामत होती थी। बहरहाल ये वो दौर है जिस वक्त जिसको बलराज पंडित की जुबान में कहें तो हम सभी थिएटर वाले उस वक्त जो काम करने की कोशिश कर रहे थे, हम लोग आपस में एक दूसरे को कहते थे ओए फुकरे आ जा, फुकरा जिसके पास कुछ भी ना हो। और मैं समझता हूं कि ओम जब छुट्टी में या नसीर या हम लोग, इनको अलाउड था कि वैकेशंस के दौर में बाहर काम कर सकते हो, और बाहर काम कर सकते हो मैं कुछ मिलता जुलता तो नहीं था एक्टर को, खास करके रंगमंच करने का, लेकिन कुछ और भी करने का मौका मिल जाता था। और उसकी शिद्दत इनकी निगाहों में हमने देखी, और मैं उसमें एक घटक बन सका, एक कॉपुला जिसने वो रिश्ता जोड़ सकता था कि हाँ अपने पास यह जो नाटक है इसमें ये जगह है, ये जगह इस छुट्टी में ये कर ले सकते हैं, वो कर ले सकते हैं। और इस प्रकार से हमारे पास इस तरह के अभिनेता आ जाते थे जिसमें ओम भी थे, नसीर भी थे, कुछ और दो भी थे, और क्या क्या हम लोगों के साथ आपस में गुजरा ये शेयर करना आज लाजिम नहीं है, बल्कि शेयर ये करना लाजिम है कि ओम की निगाहों में मैंने वो कड़क सफ़ेदी देखी थी जो यहाँ दिख रही है, ओम की उस वक़्त की भी मुस्कुराहट में बलराज, बंसी, नसीर, हम लोग जब साथ बैठते थे फाका फशी के दिनों में तो वो मुस्कुराहट भी आती थी जो जूही की कली की तरह यहाँ है। और मैं इमदाद करता हूँ इस बात की कि उन्होंने उस रिश्ते को अपने अंदर कायम रखा, और बहुत सारे किरदार जितने भी किए हों, सैकड़ों, कई कई सिचुएशंस, भाव तो अंत में वही थे, दर्द के, क्रोध के, आक्रोश के, आरोहण के, अर्ध सत्य के, और जाने भी दो यारों के, वो सारे के सारे भाव से ये शख्स जुड़ा था, इसलिए कोई किरदार इन भावों से परे नहीं था, वो सीधे भाव की समझ से जुड़ते थे। और इसलिए चाहे हमारे बाद आए हों, हमारे बहुत आगे चले गए, और अब तो इतने आगे चले गए कि सबसे बड़े हो गए, और उनके काम को एक गुरु कार्य के तौर पर हमेशा इतिहास में आंका जाएगा। पुरी साहब सलाम। और हाँ, किस्से के तौर पर एक छोटा किस्सा मैं सुना सकता हूँ कि उसा रोड पर एक फाका कशी की शाम, कुछ नहीं था हमारे कमरे में भी, ओम और हम लोग साथ थे, ये था कि किसी दोस्त ने कहा कि सुबह का नाश्ता हमारे पास कर लेना, और हमने कहा कि नहीं नहीं हमारे पास है, हम कर लेंगे। और आपस में बात की कि कमबख्त सवेरे के लिए तो कुछ है नहीं, तो हमने कहा नहीं, कबाड़ पड़ा हुआ है ना, कबाड़ी को बुलाएंगे, रद्दी बेचेंगे और कुछ बना लेंगे। रद्दी जब बेचने के लिए रद्दी वाला आया, उस वक्त हमारे और उनके बीच में एक बातचीत हुई थी कि ऐसा करते हैं, आजकल ये सीरियल का काम चल रहा है तो
एक कबाड़ी की नजर से मोहल्ले को देखा जाए तो कबाड़ी जो अलग अलग घरों में जाता है तो किस घर से डिब्बे निकलते हैं, घी के कहां से पत्रिका निकलती है, किस तरह का कबाड़ निकलता है, इससे उस घर के हालात को देखा जाएगा। इस तरह से उसके सिलसिले बनेंगे। और जब कबाड़ी ने सामान ले लिया और वो नीचे उतर, उसने कहा भाई इतने पैसे हैं, 100 का छुट्टा दे दीजिए, कुछ 46 रुपये या 47 रुपये की रद्दी बनी थी। हम दोनों लगे हुए थे इसे को तय करने में कि कैसे इसको जाकर के आज दूरदर्शन में जाएं और ये आइडिया सुना दे, कोई मान ले तो शायद कुछ दिनों का खर्चा निकल आएगा। हमने कहा कि भाई ऐसा कर, ओम ने कहा नहीं ऐसा कर, ऐ ले जा ते इतने अंडे, इतना मक्खन और ये ब्रेड लेकर के आ जा, तुम्हें तोड़ मिल जाएगा और हमारे मिल जाएगा। उसने कहा साहब ये चौथी मंजिल पर आप लोग हैं तो ये मैं सामान नीचे ले जाऊं, कल ले जाओ। बातें हमारी चलती रही, आखिर वो कबाड़ी आया नहीं था। और क्रोध में, उस आक्रोश में वो नीचे उतरा गए, बज्जू नीचे चला और सारे मोहल्ले वो हम पूसा रोड और करोल बाग के एरिया में घूमते रहे, मुट्ठियां तनी हुई, और ओम को और हमें कबाड़ी नहीं मिला। फिर किसी पड़ोसी के यहाँ गए थे कि भाई हमें 5 रुपये मिल जाते ताकि हम पूसा रोड से बस ले कर के दूरदर्शन तक पहुँच जाएं। और फिर उसी के यहाँ गए जिसने कहा था सुबह नाश्ता कर लेना, और हमने कहा कि नाश्ते की ज़रूरत नहीं, हम तो कर लेंगे। उससे लेकर के हम चले थे और तब जो बस में बैठ करके हमने एक दूसरे को देखा था, उनकी निगाहों में जो दर्द था, जो एहसास था, और साथ साथ ओ चल रहे यार कोई नहीं कुछ कर लांगे, आज मुक्ति बहुत सुनाने हैं टेलीविजन पे जाकर के किसी प्रोड्यूसर को। उस एहसास से जुड़ा हुआ आदमी जिसके बारे में आप सब ने बात की, यह वह रिश्ता है जिसको वह ले करके कायम रहा और उसकी समझ कायम रही। ये उसकी संवेदना थी और वह वेदना थी जिससे वह जुड़ा है, इसलिए कोई किरदार उससे परे ना था। ओम जी की एक नेशनल अवार्ड फिल्म थी धूप, उसके डायरेक्टर अश्विनी चौधरी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अश्विनी। मैं IFTDA इंडियन फिल्म मेकर विजन डायरेक्टर एसोसिएशन की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पहले कि आप ओम जी को ट्रिब्यूट देने इतनी बड़ी संख्या में। ये जो इतनी सारी फिल्म है इसमें एक छोटी सी फिल्म आई एम लकी आई डिड अ फिल्म विद ओम जी। मैं इस शहर में 2002 में आया था। मेरी पहली फिल्म इस शहर में जो बनी धूप, वो ओम जी की वजह से ही बनी। जैसा आप सब लोग जानते हैं बहुत मुश्किल होता है पहली फिल्म आना। ओम जी से मैं पहली बार मड आइलैंड में ऐश्वर्या के साथ किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द फिल्म, उनकी वैनिटी वैन में मिला और मैंने एक 20 मिनट का नरेशन उनको दिया। जीवन में पहली बार उनसे मिला था, मुंबई में पहली फिल्म बना रहा था। आई स्टिल रिमेंबर कि जैसे ही मैंने वो 15-20 मिनट का नरेशन ख़त्म किया तो ओम जी ने मेरा हाथ पकड़ा, गाली देते थे, अब तो 15 साल से संबंध था मेरा उनके साथ, मिलना जुलना था लगातार। बहुत से लोग गाली देते हैं लेकिन ओम जी की जो गाली वो कविताओं की तरह लगती थी। मतलब मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर मैं मिस करूँगा तो ओम जी गालियाँ मिस करूँगा। फ़ोन वो करते थे या मैं करता था, सबसे पहले गाली देते थे ओम जी। और बहुत कम लोगों में ये बात होती है मुझे लगता है कि उनकी गाली जो है आपको कविताओं की तरह लगती है, तो ओम जी की गाली मुझे हमेशा कविताओं की तरह लगी। पहली बार जीवन में उनसे मिला था, उन्होंने सुना और मुझे गाली दे करके कहा कि अगर ये फिल्म तू किसी और के साथ बनाएगा तो तुझे मारूंगा इसे। तो ऐसे फाइन। तो उसके बाद जब स्क्रिप्ट उनको दी पढ़ने के लिए, बहुत छोटी फिल्म थी, बहुत कम पैसे थे मुझे अब तक याद है, तो स्क्रिप्ट पढ़ी मैं उनसे मिलने गया उनके घर, तो मुझे बोले यार तुम लोग एक तो पैसे बहुत कम देते हो, तो स्क्रिप्ट ऐसी लिख देते हो, मेरे 2 डब्बे टिश्यू पेपर के वेस्ट हो गए। तो आगे से अगर ऐसी स्क्रिप्ट लिखो तो सर टिश्यू पेपर के डब्बे भी दे दिया करो। तो दिल्ली में शूट था, आई स्टिल रिमेंबर, सुबह इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में रुके थे ओम जी, मैं उनके पास गया,
मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे कहा कि सर वैनिटी तो नहीं हुई, तो ऐसे यार ओम जी और एक थी फिल्म में ओम जी के साथ शूट था इंडिया गेट उस पर, ऐसे यार एक वैनिटी तो दे देते, छोटी फिल्म थी। तो प्रोड्यूसर ने कहा नहीं सर आप ही संभालो ओम जी को। सो आई वेंट टू एंड आई सेड ओम जी वैनिटी तो नहीं और छे पर चेंज भी है। तो उन्होंने कहा जो तो ही गेम में लोग बोले कि ऐसा है जहाँ शूट करें ना वहाँ देख लेना मोटे तने का पेड़ जरूर होना चाहिए। सो सात दिन मैंने दिल्ली में शूट किया और ओम जी एक अच्छा तगड़ा सा पेड़ देख के उसके पीछे जाके कपड़े बदल लिया करते थे। वो जो संबंध बना मैंने बॉम्बे में उनके साथ शूटिंग की, पेडर रोड पे हम लोग शूटिंग कर रहे थे, सिटी बेकरी है, पहले दिन शूट था तो सुबह सबसे पहला फोन जो मुझे आया, मैं अभी घर से निकला भी नहीं था, वो ओम जी का था, चौधरी कहते थे मुझे, बोले चौधरी तेरे प्रोडक्शन वाले को बोल देना आज नाश्ता नहीं लाए मैं लेके आऊंगा। तो सिटी बेकरी से सारे यूनिट के लिए नाश्ता लेकर के आए और सात दिन लगातार जब पेडर रोड में शूटिंग हुई तो सात दिन लगातार नाश्ता ओम जी लेकर के आते थे मुझे याद है। सो फिल्म में और मैंने उसके साथ बात बहुत सारी फिल्में बना ली, जिस तरह की शख्सियत ओम जी थे, डबिंग शुरू हो गई थी और एक दिन ओम जी को पता लगा कि कुछ लाइटमैन और स्पॉट बॉयज हैं जिनका पेमेंट अब तक नहीं हुआ है। सो उन्होंने कहा चौधरी इतने गाली थी कि बुलाया, तो मैंने कहा जी, तो मैं तो डायरेक्टर था, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता लगा है कि लाइटमैन और कोई स्पॉट बॉयज का पेमेंट नहीं हुआ है। तो मैंने कहा पेमेंट तो मुझे मेरा भी नहीं हुआ अभी, वो कहता तेरा मेरा था चलता है एना था होना चाहिए था। तो ऐसे सी फॉर एक्टर्स, जनरली एक्टर्स इस तरह की चीज़ों पर स्टैंड नहीं लेते हैं, हम लोग भी नहीं लेते हैं। ओम जी ने डबिंग रोक दी, मेरे प्रोड्यूसर को बुलाया और उन्होंने कहा कि जब तक लाइटमैन और स्पॉट बॉयज का पेमेंट क्लियर नहीं होगा मैं डबिंग नहीं करूँगा। When the payment was clear, उसके बाद ओम जी ने अपनी डबिंग कंप्लीट की। पिछले चार एक साल से हम लोग पड़ोसी थे, रात को अक्सर उनकी तरह मुझे भी थोड़ी शराब पसंद है, हम लोग मिल लिया करते थे, कभी कभी सुबह सैर करते हुए इकट्ठा थोड़ा टहल लेते थे। आखिरी मुलाकात अभी मनाली में ट्यूबलाइट की शूटिंग, यशपाल मुझे लगता है यहाँ कहीं होंगे, हाँ यशपाल यहाँ है, मैं अपनी फिल्म के लिए मनाली गया हुआ था, यशपाल और ओम जी वहाँ शूटिंग कर रहे थे, मैं और यशपाल शाम को एक शाम हमने ओम जी के साथ गुजारी, जिशान थे, जिशान अयूब, मैं और यशपाल। सो मुझे अब तक याद है यशपाल मेरे साथ थे, हम जैसे ही कमरे में घुसे तो ओम जी बोले अरे चौधरी आ गया कौन सी बॉटल खोलूँ, है ना। सो समाओ मैंने ओम जी को कहा कि नहीं ओम जी आज यशपाल मेरे साथ थे, तो मैंने ओम जी को कहा कल आपका शूट है, तो बोले नहीं कल शूट नहीं है मेरा, तो मैंने कहा मैं कल सुबह चाय पर आता हूँ। तो उस दिन रात को मैं और यशपाल वहाँ से निकल आए और अगले दिन सुबह मैं गया ओम जी के पास और उस दिन उनका शूट नहीं था, यशपाल शूट पे निकल गए थे। तो लगभग डेढ़ दो घंटा हम लोगों ने बैठ करके बिना शराब के चाय पे बात की, जो मुझे लगता है कि काफ़ी जो खूबसूरत सुबहें होती हैं मेरे जीवन की उनमें से एक थी। ओम जी उस तरह के इंसान थे, मतलब एक्टर की तो बात मैं नहीं करूँगा, बात कर ही नहीं सकते। मुझे लगता है कि उनके संपर्क में जो भी आया, जिसने ओम जी के साथ थोड़ा वक्त बिता लिया, जिसको ओम जी ने जीवन में छू लिया मेरा ऐसा मानना है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा हो गया। मतलब ये गुण जो था वो ओम जी में था कि अगर आप उस आदमी के संपर्क में आ जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं थोड़े अच्छे तो हो ही जाएंगे, वो अपनी अच्छाई आपको दे देते थे, ये बहुत बड़ा गुण ओम जी में था। अगर कुछ लोग उनके साथ रह करके भी और समय बिता करके भी अच्छे नहीं हुए, मुझे लगता है वो दुनिया के सबसे अनफॉर्चुनेट लोग हैं। बाकी आप सब लोग जानते थे ओम जी को, है ना, हमारी एसोसिएशन की तरफ से, डायरेक्टर फ्रेटर्निटी की तरफ से ओम जी को नमन, थैंक यू। यशपाल नमस्कार, अभी जयपुर से आ रहा हूँ तो कल राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का क्लोजिंग था, उसकी बिगनिंग फेस्टिवल की ओमपुरी जी के 10 मिनट की फिल्म से हुई, उनके कुछ क्लिप्स थे और दूसरा उस फेस्टिवल की शुरुआत ओमपुरी जी ने की थी 2 साल पहले, तो उन्होंने जो जो बोला था वो सब दिखा रहे थे, तो बड़ा अच्छा लगा। इला जी भी थी वहीं पर जी, तो जो रीजनल सिनेमा है या जो जो लोग सक्षम नहीं है, जिनको ज़रूरत है साथ को, उन्होंने हमेशा साथ दिया है
राजस्थान फिल्म तो फिल्मों को उन्होंने बहुत सहयोग किया, वो कल मुझे पता लगा, नहीं तो मुझे शायद पता नहीं चलता, क्योंकि मेरा अनुभव जो है हरियाणा में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई है वो हमारी धूप फिल्म से हुई है और ओमपुरी जी भी वहीं थे साथ में। और धूप फिल्म का एक सीन है जो मेरी लाइफ का बेस्ट सीन मैं बोलता हूँ, जो अब तक जितना भी काम किया थोड़ा सा, जिसमें मेरा एक भी डायलॉग नहीं। और वो सीन जब मैंने पढ़ा था सिर्फ ओम जी के डायलॉग थे, वो मुझे कन्विंस करने आते हैं कि मैं ही इसका बाप हूँ बच्चे का, जो जिसके लिए मुझे पेट्रोल पंप मिलना है। और वो बता रहे थे कि ये फोटो है जो वो साइकिल सीख रहा है, मैं साइकिल सिखा रहा हूँ, इसमें भी वो साइकिल सीख रहा है, इसमें मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं फोटो खींच रहा था, फिर मेरे कंधे पर बैठा है, ये उस वक्त की तस्वीर है, इससे तो आपको पता लगेगा कि मेरा बेटा, ऐसा ऐसा एक सीन था। और मुझे सिर्फ रिएक्ट करना था और मैं उस सीन में नहीं था, मैं सिर्फ ओम जी की परफॉर्मेंस देख रहा था कि ये सीन ऐसे भी हो सकता है क्या, मैंने कभी कल्पना भी नहीं सोचा था। और वो जो रिएक्शन मेरा आया है, मुझे याद है अश्विनी चौधरी को, मेरे ख्याल से मैं उनको भी बोलता हूँ हमेशा कि वो मेरा बेस्ट सीन अभी तक, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है इतनी सहज तरीके से उन्होंने कर दिया वो सीन कि अगर अभी तुमको विश्वास ना हो तो मैं कल इसकी माँ को ले आऊँगा, तो इसकी माँ ही बता सकती है कि उसका बेटा कौन है, तो सबसे बेहतर है ना बेटा, ऐसा कुछ करके वो निकल गए। और जो मेरा रिएक्शन था बहुत, मैं आज तक मुझे वो बिल्कुल अंदर तक मतलब फील होता है उस सीन को सोच करके, जो बिना डायलॉग के, जो बहुत जरूरी है। अभी आदि रंग महोत्सव हुआ दादर में, NSD ने करवाया, तो मुझे पता लगा अखबार में पढ़ा मैंने कि ओमपुरी जी चीफ गेस्ट हैं फर्स्ट डे ओपनिंग में, और उसी दिन एक रात पहले मुझे भी फोन आ गया कि आप गेस्ट ऑफ ऑनर हैं उसी में ओपनिंग में। तो वहां जाके पता लगा कि ओम जी नहीं आए, तो मैं नहीं मिल पाया उनके साथ। जो लास्ट मेरी मीटिंग थी ट्यूबलाइट की शूटिंग में, फिल्म सिटी में भी, मनाली में नहीं फिल्म सिटी में भी थी, वो अपने बेटे के साथ थे और उनके साथ एक लड़की थी, और वो बड़े छाती ठोक के सबसे बोल रहे थे, ओए जाकर ओए जरा, ये मेरा बेटा है और ये देखिए इसकी गर्लफ्रेंड है, लंदन से आई है, ओए ओए बलजीत ओए जरा, और देख ये मेरा बेटा है और ये इसकी गर्लफ्रेंड है, लंदन से आई है। सबको इतने मतलब छाती चौड़ी करके बता रहे थे और इतना खुश थे सिगरेट पीते हुए, बड़े मुझे एक अजीब ही इंसान लग रहे थे, इतना इतना खुशी, क्योंकि उनके साथ सीमा जी और उनके साथ जितने भी मैंने उनको खुश देखा है ना, जितनी बार भी सीमा जी के साथ, हमेशा वो, एक बार मैंने फ़ोन किया हरियाणा से कि आपको हम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल करवा रहे हैं हरियाणा पहली बार, एक बार ये तो आपको चीफ गेस्ट बनर सांझी हरियाणवी फिल्म दिखा रहे हैं, क्योंकि हरियाणवी फिल्म हम ऊपर उठा रहे हैं, तो सांझी उनकी फिल्म थी, उन्होंने बहुत अच्छे गाने भी थे, काफ़ी हिट हुई थी वो फिल्म, और तो बड़े इतना खुश हुए वो सांझी का नाम सुन के, अरे अरे सांझी की बात क्या कर रहा है, वही तो मिला था मैं सीमा से, वो मिलने आई थी मेरे से, छोटा सा रोल भी किया था उसने, अरे मैं भी तो हरियाणा का जाट हूँ, मैं भी तो अम्बाड़ा में पैदा हुआ हूँ। तो उन्होंने सीमा जी से भी बात करवाई, बड़ा बड़ा तकरीबन आधा घंटा उन्होंने बात की। तो मेरे लिए मेरे पिता थे, मेरे दोस्त थे, बैठ के दारू पीते थे और बच्चे की तरह रोए भी हैं, तीनों इतना, इतनी वेरिएशन या इतना सब कुछ कैसे हो सकता है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा ये जरूर है कि एक दिन हार्ट फिल्म की शूटिंग थी झालावाड़ राजस्थान में, तो मुकेश तिवारी मैं और ओम जी बैठे थे, तो मुकेश ने पूछा और कितने पैक पियोगे भाई, तो बोले ये जाट से एक ज्यादा ही पीऊंगा मैं ये बड़ा घमंड है ना इसको तो मैंने कहा बाबा चलो ठीक है। लेकिन जितनी भी बार रहे, जैसे पहली सिंगिस किंग के दौरान एक महीना ऑस्ट्रेलिया में रहे, बड़ा अच्छा समय बीता, मनोज बहवा ओम जी और हम तीनों काफ़ी साथ रहे और काफ़ी अच्छा लगा, और ट्यूबलाइट मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट फिल्म है उनको, उसमें भी उनके साथ था, बहुत सारे अनुभव, बहुत सारी चीज़ें रही। बस ये है कि वो अंदर से बहुत तकलीफ में होते हुए भी कभी ऊपर नहीं लेकर आए और किसी को शो नहीं होने दिया, शो ऑफ नहीं किया कि मैं परेशान हूँ या कुछ ऐसा, हमेशा बिंदास जिए बिंदास रहे और सबको मेरे ख्याल से इंस्पायर करके गए।
और उनमें से एक कतना सर. थैंक यू सो मच. अंजन सर, मैं अभी सांझी फिल्म की बात कर रहा था. सांझी फिल्म की हीरोइन सुमित्रा भट्टाचार्य हमारे साथ आ रही हैं. ये आई थी, ओम जी नहीं आ पाए थे क्योंकि उनको लंदन जाना पड़ा था. तो उन्होंने एक लिख के मेरे को रिकॉर्ड करके दिया मोबाइल पर. तो वहाँ उनका वो क्लिप चलाया हमने कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ, हरियाणा वासियों मैं लंदन जा रहा हूँ. तो अगर आपको शुभकामनाएं ऐसा उन्होंने बोला तो सुमित्रा भट्टा जी स्वागत. मैं एक्चुअली सांझी की प्रोड्यूसर भी हूँ और मैंने ओम जी और सदाशिव जी को अर्ध सत्य के इमीडिएटली बाद साइन किया था. अब जब चंदा उगाही करके कुछ पैसे इकट्ठे किए थे, बाकी लोन लिया था बैंक ऑफ महाराष्ट्र से, इस तरह से सांझी बनी थी. और सांझी में एक ऐसा सीक्वेंस हुआ था जो किसी को नहीं मालूम. सचिन ट्रैक्टर चला रहे थे और ये जो कल्टीवेटर होता है, जिसके पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं, जो जमीन में जमीन खोदता जाता है, उसके गोल गोल पहिए होते हैं, बहुत ही डेंजरस होता है, बहुत शार्प होता है वो. और ओम जी ने क्या किया, बिना बताए इम्प्रोवाइजेशन के चक्कर में उसके ऊपर चढ़ गए वो. और सचिन से कुछ क्लच और ब्रेक का कुछ कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो गया और ये इतनी जोर से गिरे कि वो ब्लेड जस्ट एक आधे इंच पे था उनके मुंह के, और हम लोग ऐसे खड़े थे सारे. तो उस दिन जो डेथ एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं ना, मैंने कहा गए मुझे, मतलब वो बात याद करके मैं जब भी याद आती थी कपकपी छूट जाती थी. मैं कहा उस दिन बार बार बचना किसे कहते हैं, वो उस दिन ओम जी बचे थे. और ये बात है 84 की. 85 के बाद मेरा फिल्मों से संबंध नहीं रहा. मैं दोबारा आई फिल्मों में मेरी बिटिया के कारण. लेकिन जो बात मैं शेयर करने के लिए यहाँ आई हूँ वो है कि उनका प्यार जो सीमा के लिए था, अथाह था. सीमा तुम्हें याद है, इंट्रोड्यूस कराया था मुझे, क्या इतने प्यार से देख रहे थे सीमा को और कह रहे थे आपको पता है इसकी उंगलियों में जादू है, यही कहा था ना, ये पपेटियर है, ये अपनी उंगलियों से पता नहीं क्या क्या कर देती है, बहुत बड़ा जादू है. तो हमें ओमपुरी जी की वाइफ के लिए एक कैरेक्टर नहीं मिल रहा था, किसको बनाए, अरे सीमा, सीमा कर देगी. एंड शी डिड वेरी. और उसके बाद एक दिन नाना नानी पार्क में मुझे सैर करते मिल गए 31 साल बाद. और सुबह सुबह हम लोग सब कैसे होते हैं आपको मालूम. तो सुबह मैंने कहा अरे ओम जी, हाय सुमित्रा कहाँ हो, देखा आपने पहचान लिया मुझे, मैं तो बहुत बदल गई इतने साल में. तो कमाल करती हूँ, क्यों नहीं पहचानेंगे. और सबके बारे में पूछा, मेरे ब्रदर प्रदीप हुडा जो डायरेक्टर थे फिल्म के उसके बारे में पूछा, मेरे हस्बैंड इंसिडेंटली उस टाइम वो दोनों ही स्वर्गवासी हो चुके थे, मेरे ब्रदर की भी डेथ हो गई थी, मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी. मैंने कहा नहीं, ही इज नो मोर. और इतना बड़ा धक्का लगा उनको उस चीज़ का. उसके बाद एक दिन मेरे पास फोन आता है, नहीं यशपाल ने से मैंने नंबर लिया, बोले ओमपुरी आपको बहुत याद कर रहे थे. तो यशपाल ने मुझे नंबर दिया, मैंने उनको फ़ोन किया. तो कहने लगे भाई एक रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे सांझी की DVD चाहिए, मुझे उसमें एक ही फिल्म में काम किया है सीमा ने और वो आई वॉन्ट टू शो. तो डेढ़ एक महीना पहले आए थे, घर आए थे, काफ़ी देर बात होती रही. इतने सरल इंसान, कहने लगे मेरे को ना ये बाबा रामदेव के जीरा बिस्किट बड़े पसंद है और आजकल आउट ऑफ स्टॉक है. मैंने कहा मेरे पास 5 पैकेट पड़े हैं आप ले जाइए. तो मैंने उनको जीरा बिस्किट दिए थे लास्ट, लेके आए होंगे. और फिर कहने लगे कि अच्छा तुम एक काम करो, सांझी तो इतनी अच्छी फिल्म थी, इतनी दोबारा बनाते हैं इसको. मैं कहूँ ओम जी अभी वो सब्जेक्ट, अरे इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है भाई, इसको दोबारा बनाएंगे हम. और वो एक तरह से मुझे मैसेज दे गए, ही गेव मी अ मैसेज एंड आई एम गोइंग टू मेक इट अगेन. That's a promise. Thank you very much. It was a lovely. लेकिन जो मैं कहना चाह रही हूँ सीमा, मुझे बीच की लाइफ उनकी बिल्कुल नहीं पता. मुझे तुम्हारे साथ जो लाइफ जब शुरू हुई थी, जो मेरे सामने शुरू हुई थी, वो पता है. और उसके बाद जब मेरे से लास्ट मिले थे वो सिर्फ सीमा की बात कर रहे थे और बड़े प्यार से. सो बहुत प्यार था तुम्हारे लिए, बहुत ज्यादा प्यार, मतलब ही वॉज फुल ऑफ लव फॉर सीमा. थैंक यू वेरी मच.
दीपक डोबरियाल, दीपक जी कहते अंजन श्रीवास्तव, एवरीबडी इज रिमेम्बरिंग ओम जी, इतना के साहब और आप लोग लीला जी के साथ इतनी इतना साथ रहा होगा मुझे लगता था, लेकिन आज सतीश जी को देख के याद आ गया। उनसे पहली मुलाकात जिस समय पृथ्वी थिएटर खुली थी, दो ही प्ले होते थे हमारी इप्टा का, एक बकरी और मजमा का, उद्धव धर्मशाला और द जू स्टोरी। उन्हीं दिनों देखा था एक एक्टर को लगातार कितने देर तक उद्धव धर्मशाला में विदाउट एनी ब्रेक कैसे वो लगातार एक डेढ़ घंटा तक बोल सकते हैं, बोले कौन सा एक्टर है भाई, अभी नया नया आया था मैं, 77-78 के आसपास आया था और उसी दौरान पृथ्वी थिएटर की ओपनिंग हुई थी और देखते ही रह गया। फिर दोबारा देखना चाहता था, तब तक हमारी बकरी की तैयारी हो रही थी। उस समय देखा था, नसीर साहब को जानता था, उनसे बातचीत होती थी, लेकिन ओम जी से परिचय नहीं था। ओम जी से परिचय हुआ सतीश कौशिक जी की एक छोटी सी फिल्म हैदराबाद में बन रही थी, जिन्होंने ओम जी के साथ सीन करने का एक छोटा सा मौका मिला था। वहाँ इन्होंने संवाद लिखा था रंजीत जी के साथ और मेरी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। डेबोनायर की एक प्रति दुकान पे देखते हैं, दोनों ऑफिस में जाते हैं और वहीं खड़े रह जाते हैं और ओम जी बोलते हैं चलिए पांडे जी या तिवारी जी, क्या नाम था याद नहीं आ रहा, चलिए भाई जरा सा देखिए, वो आप भी देखेंगे तो कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, बीच वाला पन्ना जरूर देखिए। तो अच्छा इंटरेस्टिंग लाइन बनाया था। उस समय नीना जी भी थी, विजय कश्यप थे और याद नहीं आ रहा है कौन कौन थे, काफी दिन हो गए याद नहीं है। उसके बाद पृथ्वी थिएटर में मुलाकात होती थी भाई, लेकिन इतना कोई नजदीक से काम करने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि पहले ही जो इम्प्रेशन एक्टर के ऊपर पड़ा था, एक तो बलराज जी, वहां कलकत्ते में बलराज जी को देखा था, मोतीलाल जी याद थे क्योंकि लास्ट फिल्म थी उनकी, एक फिल्म जो कलकत्ते में बन रही थी चिमने का धुआं, प्रभात मुखर्जी के डायरेक्शन में। 10 साल थिएटर करके आने के बाद जो पृथ्वी थिएटर में देखा वो दिमाग से निकल नहीं रहा था। और बहुत सालों के बाद किसी ने मुझसे पूछा कि आपकी नजर में आप हर तरह की फिल्म ज्यादा नहीं देखते हैं, हमको जो मिलता है वो कर लेता हूँ, फिर भी चुनता हूँ थोड़ा थोड़ा, आपके हिसाब से कौन बड़ा आपका आइडिया एक्टर है, बलराज जी हैं और आज के जमाने फिर संजीव कुमार जी आए, उसके बाद तो यही दो ही दिखाई पड़ते हैं, नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी। फिर धीरे 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 फिर मौका मिला काम करने का और सत्यजीत राय साहब की फिल्म बेटे की पहली फिल्म थी टारगेट, उड़ीसा में हो रही थी, ढेन कनाल बोल के एक जगह थी, गांव था जंगल था, ओम जी और मेरा और डॉक्टर मोहन अगाशे एंड चंपा बांग्लादेश, जैसा आप लोगों ने सबने कहा, जिन जिन लोगों ने बताया इतनी घनिष्ठता और उनसे शायद सीखा, उनका एक इम्प्रेशन पड़ा जमीन पे रहने की जो आदत है और वो सही है स्टैनिस्लावस्की का कहना कि एन एक्टर जो मस्ट बी ए गुड मैन, और जो जिंदगी में सीखा एक्टर से कि डाउन टू अर्थ एक्टर को और बड़ा बनाता है और लोगों को देखने की ताकत होती है, नहीं तो वो एक आवरण पड़ जाता है, खत्म हो जाता है वहीं पर। तो एक्टर बनना उसकी एक बहुत जीती जाती व्यक्ति मिसाल ये अपने ओम जी है। वहां पे किसी को नहीं बताया, कुछ खाने में गड़बड़ हो गया था, करीब 3 दिनों तक ओम जी का पेट बिगड़ा था, शॉट देते थे दौड़ते थे और होटल जाना बड़ा दूर था, शॉट में देर ना हो, वो भी तैयार किए भैया हमको एक जगह बता दो, यहाँ कोई नदी तालाब है क्या, और जाते थे और एक पानी का बोतल का वो पानी, बहुत बड़ी मुश्किल जगह में फंस गए थे हम लोग, सब तैयारियां कर, फिर एक्वाकार्टिस्ट का कुछ दवा दिया मिसेज रॉय ने,
किसी तरह से चौथे दिन के बाद बोला मैं कुछ नहीं खाऊंगा भाई, शॉट लेते जाओ और हमको पानी पिलाते जाओ और होटल में आके कुछ खाए होंगे। उसके बाद उनसे मुलाकात डिस्कवरी ऑफ इंडिया में हुई, कई सीरियल करने का मौका मिला, उसमें 7-8 कैमियो रोल कर रहा था, ओम जी तो थे ही वहां। इसके बाद धीरे धीरे इन सब मुलाकातों से क्या फर्क पड़ा मेरी जिंदगी में, मेरे एक्टिंग कैरियर में, वो मैं बयान नहीं कर सकता, ये सब एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मैं पढ़ा, बहुत जबरदस्त पढ़ा, नकल करना आता नहीं लेकिन उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल था, क्या सोच के सब टेक्स्ट जो बोलते हैं क्या सोच के वो इस तरह से चीज को ले आते थे, रियलिस्टिक लाइफ को किस तरह से जमीन पर उतारना, बहुत बड़ी, मतलब लोग कहते हैं किसी किसी को यूनिवर्सिटी, मैं अपने लिए यूनिवर्सिटी कह सकता हूं। फिर उसके बाद उनसे पुकार में मुलाकात हुई, राज संतोषी की फिल्म में, और फिर चाइना की। वो एक मेमोरेबल टाइम था जब मैं परेशान था कि मैं ब्लड प्रेशर है, डॉक्टर ने कहा साग सब्जी ये सब खाना, ऑयली खाना मत खाना, वो बोला इधर आओ इधर आओ जी। वो चले गए भाजी मार्केट और वहां से पालक साग ले आया था, और खाना बनाने वाले लाखन थे, लाखन ये देखो ये साग बनेगा सिर्फ हमारे और रंजन के लिए, ये मुझे साग खाना है, डेली ले आओ, तुम लाओगे या मैं लेके आऊं रोज, बोले आप लाएंगे तो देर हो जाएगा, राजी चिल्लाएंगे, बोले नहीं नहीं हाँ बोलो और अगर नहीं मिला साग तो हम लोग खाना नहीं खाएंगे, इतना केयर रखते थे केके साहब को मालूम है खाने पीने का। और उसमें एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा चाइना गेट में। और फिर एक बार ऐसा हुआ 2002 में मुझे चोट लग गई थी, हॉस्पिटलाइज हो गया था, ऑपरेशन हुआ, हेड इंजरी हो गया था, उस समय कुंदन शाह जी एक आए थे, ज्यादा लोग नहीं जानते थे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उस समय मेरे घर पे वैसे ही वॉक करते हुए सवेरे हाफ पैंट में चले आए थे, मनीष नगर 4 बंगला, क्या हुआ भाई, हम बोले अरे आप कैसे आ गए भाई, बोले सोचा नहीं आपने, बताया भी नहीं, बोले बताना क्या है, क्या चीज से बताए, हम तुम्हारा नंबर उम्बर नहीं जानते, हमें पता लगा कि तुम तबियत खराब है, दिखाई नहीं पड़ता, तो हमने बताया ऐसे ऐसे हुआ, कुछ नहीं होता है ऐसे ऊपर नीचे जिंदगी में चलता रहता है। अभी हमने कहा अब यहाँ तो पेपर में लिख दिया है कि उनका ब्रेन हेमरेज हो गया है, अभी काम तो मिलेगा नहीं, तो कैसे नहीं मिलेगा भाई, काम एक्टर को ही मिलता है, एक्टर हो काम करते हो अच्छा कर लेते हो काम मिलता रहेगा, तुम डोंट वरी पहले ठीक हो जाओ ओके, और कुछ काम हो तो बता देना मैं यहाँ रहता हूँ। फिर एक दिन मेरे घर आओ, और वही कछुआ किसी ने कहा, सफेद कछुआ था छत के ऊपर रखते थे, फिर अपनी पत्नी से भी मिलाया, मेरी बेटी की शादी में आए, बहुत सारी यादें हैं, ज्यादा बोलूंगा तो रो पड़ूंगा, इसलिए मैं उनको नमन करता हुआ यही कभी। इससे पहले कि हम इस शाम अंत करें, हमारे बीच में एक फोटोग्राफर है, बहुत ही टैलेंटेड फोटोग्राफर है, जिन्होंने ये तस्वीर खींची थी अभी रिसेंटली, 1-1.5 महीने पहले। मैं चाहूंगा कि प्रवीण दलन स्टेज पे आए और हम सब जो है जिस फोटोग्राफर ने जिस सिनेमाटोग्राफर ने ये गिफ्ट हमें दिया है, हम मैं चाहूंगा कि स्टेज पे आए ताकि हम एक ओवेशन के साथ प्रवीण का इस्तेमाल करें। प्रवीण कहो कम प्लीज वन सेकंड सतीश वन सेकंड अ मिनट प्लीज रजित अ मिनट प्रवीण आ जाओ के अ मिनट This is Praveen Talan, who has clicked this picture of MG. It is one of the most memorable pictures of Praveen Talan. मैं आप लोगों के सामने क्या बोलूं सर के बारे में, क्योंकि मेरा तो उनसे सिर्फ एक पल का ही रिश्ता था, लेकिन इस पल में जो मुस्कुराहट और
आंखों में जो फीलिंग है शायद आप लोग उससे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से वाकिफ हैं, जैसा कि मुझे महसूस हुआ इतने लगातार सुनने के बाद। आई जस्ट वांट टू टेल वन थिंग, वन लिटिल एक्सपीरियंस। जब मैं ये शूट कर रहा था तो शूट के बाद उनको कुछ तो बात हुई, अचानक से आज लिटिल क्वाइट, सो ही आस्क्ड मी समथिंग इज ट्रबलिंग। मैंने कहा सर वो मदर की सर्जरी है नेक्स्ट वीक। बोले अच्छा क्या एज है उनकी? 67। बोले अरे ये तो मेरे बराबर है एज है उनकी, चलो चलो परेशान मत हो, एक एक मैसेज रिकॉर्ड करते हैं उनके लिए। एंड ही रिकॉर्डेड, ही पुट हिज आर्म अराउंड माय शोल्डर एंड रिकॉर्डेड अ मैसेज फॉर माय मॉम। मुझसे ही पहली बार मिले थे, मदर से तो शायद वो कभी उनका मिलना था ही नहीं। और बोलते हैं बहन बिल्कुल परेशान मत हो ना, आराम से सब ठीक हो जाएगा और मैं आपके हाथ का खाना खाने आपके घर आऊंगा। आई सेंड दैट वीडियो टू माई मदर। मेरे ख्याल से 5 किलो खून तो बढ़ गया होगा। शी वॉज सो हैप्पी आई कांट पुट इट इन वर्ड्स। एंड आई रिमेंबर्ड हर टेलिंग मी वंस व्हेन आई वाज अ चाइल्ड एंड आई लॉस्ट माई मामा। आई आस्क कि माँ हर बच्चे की तरह कि मरने के बाद लोगों का क्या होता है। शी सेड वो स्टार बन जाते हैं। मैंने कहा स्टार के मरने के बाद क्या होता है? शी सेड स्टार कभी नहीं मरता। वो हमेशा रोशनी देता है और रास्ता दिखाता है। तो सर थैंक यू फॉर ऑल द लाइट दैट यू हैव गिवन टू अस। थैंक यू। हम अगर ये मान के चले कि आज ओमपुरी साहब की परफॉर्मेंस थी स्टेज पे और परफॉर्मेंस खत्म हुई है और आपकी तालियों के गड़गड़ाहट के साथ आपके साथ थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।